Right, so today we'll start on with unit 3 of the Indian Contract Act. ठीक है, तो अभी देखो first unit और second unit हम लोग already कर चुके हैं. ठीक है, और ये first और second unit करने के बाद you would have got a fair idea के contract क्या होता है और एक contract बनाने के लिए क्या क्या essential elements होते हैं. Right, so unit 3 जो है it is one of the most important part of your topic because एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई कराने के लिए देयर शुड बी सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच शुड बी प्रेजेंट. राइट, ये हमने कहां पे पढ़ा था? ये हम लोगों ने सचिन तेंदुलकर के साथ पढ़ा था सेक्शन 10 में, दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच शुड बी देयर टू मेक एन अग्रीमेंट क्वालिफाई एज अ कॉन्ट्रैक्ट. राइट, सो ये एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोगों ने कौन कौन से देखे थे? वी हैड सीन दैट The parties to the contract must be competent to contract. वहां पे तीन elements हम लोगों ने briefly discuss किए थे कि भाई major होना चाहिए, minor cannot enter into a valid contract. Second element हम लोगों ने देखा था कि there should be free consent. हम लोगों ने consent का मतलब समझा था you need to agree upon the same thing in the same sense. Free मतलब without any pressure, right? Then we understood that there should be a lawful consideration. Consideration to unit 2 mein hum log already dekh chuke hain ki consideration kya hota hai, what are the essential elements, and we also saw that in certain cases consideration nahi bhi hai to ek valid contract banega. Wahan pe aur ek important rule humne dekha tha that a stranger to a contract cannot be there but a stranger to the consideration can be there. Then legal ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मोटिव है वो कोई इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए, द ऑब्जेक्टिव शुड बी लीगल. फिर हम लोगों ने देखा कि द पार्टी शुड नॉट बी स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बिकॉज कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर पार्टी स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाई होती है. एंड देयर वाज अनदर कैटेगरी जहां पे हमने देखा था कि द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज्ड और बीइंग डिटरमाइंड एज वॉइड. वहां पे तीन के चार सिनेरियो हम लोगों ने देखे गए ना, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स विच आर प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन पीनल कोड. तो ये हम लोगों ने बैकग्राउंड बना लिया था. हमें पता है ऑफर क्या होता है, हमें पता है एक्सेप्टेंस क्या होता है, इनके रिलेटेड रूल. वी हैड ऑल्सो सीन के भाई ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, एंड कंसिडरेशन रिलेटेड रूल्स भी हम लोग देख चुके थे. ठीक है, सो नाउ वील स्टडी अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अदर मतलब भाई कंसिडरेशन तो देख लिया, अभी उसको छोड़ के कितने पॉइंट हमारे बचे? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लीगल ऑब्जेक्टिव. राइट, ये सारे पोजिशन हमें देखने पड़ेंगे. वी लुक एट इट इन यूनिट 3. तो सबसे पहले वील स्टार्ट ऑन विथ द एसेंशियल एलिमेंट्स. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट के भाई कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. अगर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो अग्रीमेंट स्टेज में ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में क्वालिफाई नहीं करेगा. सेकेंड एलिमेंट हमने देखा था कि भाई फ्री कंसेंट शुड बी देयर, देन लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void. So we come to the first part of it, which is capacity to contract. अभी देखो capacity to contract का मतलब क्या? Capacity to contract means competence of a party to enter into a valid contract. So whenever we talk about capacity to contract, what are we referring to? We are referring to competence of the party, right? मतलब whether a party qualifies to make a contract or not, and it is one of the essential elements of a valid contract. Agar party competent nahi hai contractual relationship mein enter karne ke liye, tab wo ek valid contract mein qualify nahi karega. Teen elements hum log abhi dekhenge, right? These should be there for judging the competence of a party. First,
एज ऑफ मजॉरिटी, मतलब जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ही शुड बी इक्वल टू और मोर देन 18 इयर्स ऑफ एज, बिकॉज इंडिया में मजॉरिटी एज क्या है, मजॉरिटी एज इज 18. सो 18 या 18 से ज्यादा, अगर 18 से एक दिन भी कम हो तभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो. सेकेंड, शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड, मतलब अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. अगर किसी अनसाउंड माइंड वाले आदमी के साथ, भले वो मेजर है बट इज ऑफ एन अनसाउंड माइंड, अगर ऐसे किसी आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, राइट, अगर अग्रीमेंट बनाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई नहीं करेगा, बिकॉज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ विच ही इज सब्जेक्ट टू, मतलब कि अगर कोई लॉ ऐसा बना हुआ है जो कि पर्टिकुलर आदमी को रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, अगर ऐसे कोई डिस्क्वालिफाइड आदमी के साथ भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा. एब्सोल्युटली क्लियर? तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंस. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, कॉम्पिटेंस ऑफ अ पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. हु आर कॉम्पिटेंट, बहुत सिंपल रूल है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. तो कौन कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा, अगर उल्टा पूछू तो, माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, अनसाउंड माइंड वाला आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है और डिस्क्वालिफाइड आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है. एब्सोल्युटली क्लियर? सो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉम्पिटेंस ऑफ अ पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. हु इज कॉम्पिटेंट, मेजर, साउंड माइंड, नॉट स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड. हु इज इनकॉम्पिटेंट, अगर उल्टी बात करें तो, माइनर, अनसाउंड माइंड एंड स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, देन फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब एक मेजर आदमी ही कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में एंटर कर सकता है. अगर वो मेजर नहीं है देन उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, राइट, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो. क्लियर है? सो इन इंडिया एज ऑफ मेजॉरिटी इज रेगुलेटेड बाय इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875. इस एक्ट के अंदर, मतलब क्या सर मेरे को याद रखना है 1875? नो, यू कैन सिंपली से दैट इन इंडिया द एज ऑफ मेजॉरिटी इज 18, राइट. एनीबडी हु इज 18 और अबव विल बी कंसिडर्ड एज अ मेजर. बहुत ज्यादा लिखना है तो क्या इंडियन मेजॉरिटी एक्ट बोलता है, ये एज स्पेसिफाई करता, राइट. सो इन इंडिया एज ऑफ मेजॉरिटी इज रेगुलेटेड बाय इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 और ये क्या बोलता है कि एनी पर्सन हु स्टेज इन इंडिया, डोमिसाइल मतलब हु स्टेज इन इंडिया, राइट, एनी पर्सन हु स्टेज इन इंडिया शैल अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज एंड नॉट बिफोर. मतलब 18 हो गया मतलब वो मेजर हो गया, 18 से एक दिन भी कम उसकी एज है वो मेजर नहीं है. द एज ऑफ मेजॉरिटी बीइंग 18, अ पर्सन लेस देन द एज इवन बाय अ डे वुड बी अ माइनर एंड बीइंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. तो सिंपल है, कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, मेजर. मेजर कौन होता है, 18 एंड अबव, राइट. मेजर का मतलब क्या, मेजर का मतलब 18 एंड अबव. इफ यू आर बिलो 18, मतलब 18 एंड अबव का मतलब क्या, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. अगर लेस देन 18 है क्या बोलेंगे, माइनर, देन दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर. एब्सोल्युटली क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट कॉम्पिटेंस का आप देखोगे दैट द पर्सन शुड बी अ मेजर. अभी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, हैव यू एवर रेड अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने कभी भी देखा है क्या?
अगर कभी भी रीड करोगे ना तो लिखेगा मिस्टर सो एंड सो एजेड अबाउट सो एंड सो रिसाइडिंग एट सो एंड सो प्लेस. तो ये एजेड अबाउट सो एंड सो कोई अग्रीमेंट में डालने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वहीं पे एज स्पेसिफाई कर दी जाए कि भाई पता चल जाए मेजर है के माइनर है. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस. सो फर्स्ट द पर्सन शुड बी अ मेजर दैट इज 18 इयर्स और अबव. सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक है. सी माइनर मतलब कौन, हु इज बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, मतलब बच्चा, ठीक है. अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्सपेक्टिव से देखे ना तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लव्स माइनर, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बच्चे बहुत पसंद है. मतलब भले ही उसने बोला बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर आप किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा. बट बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस एक्ट में डाले हुए हैं जहां पे हर एक जगह एक माइनर को प्रोटेक्ट किया गया है. अभी समबडी में आस्क मी कि सर व्हाई कांट अ माइनर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा क्यों जरूरी है कि वो 18 एंड अबव होना चाहिए तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में एंटर कर सकता है. तो देखो इसका रीजन बताता हूं. द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज कि हमने देखा कि भाई ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फाउंडेशन है, राइट, ये किस बेसिस पे, ये प्रिंसिपल बेस्ड लॉ है. मतलब इट ट्राइज टू प्रोवाइड रेमेडीज, इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल, राइट. सो यहां पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोहिबिटिंग माइनर्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, द फैक्ट ऑफ प्रोहिबिटिंग माइनर्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इज कि भाई ये एक्ट बोलता है कि माइनर तो बच्चा है, बच्चे नादान होते हैं, उन्हें अपना भला बुरा पता नहीं होता है. तो अगर बच्चे नादान है, राइट, दे आर इनोसेंट पीपल, दे डोंट नो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड फॉर देम, राइट, तो अगर वो किसी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में एंटर करेंगे, समबडी में टेक एन अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर माइनर चाइल्ड. और अगर माइनर चाइल्ड का एडवांटेज ले लिया और वो एडवांटेज एनफोर्स भी करने की कैपेसिटी है, देन इट इज प्रिंसिपली रॉन्ग. सिंस माइनर इज नॉट एबल टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज ओन इंटरेस्ट, मतलब अपने खुद के इंटरेस्ट के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या इम्पैक्ट आएगा, मे बी ही इज नॉट एबल टू इवैल्यूएट इट और जज इट प्रॉपरली, उस वजह से बोला कि भाई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. वंस ही अटेंड्स द एज ऑफ 18 इयर्स ओल्ड, राइट, अभी वो क्या हो गया है, स्मार्ट हो गया है, अभी उसको अपना भला बुरा पता चलता है, राइट, तो अगर वो किसी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में एंटर करेगा, ही विल बी एबल टू थिंक प्रॉपरली के भाई ये कॉन्ट्रैक्ट से मेरे को फायदा है के नुकसान. एंड दैट इज द रीजन व्हाई माइनर्स को प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, बिकॉज माइनर अपना भला बुरा नहीं सोच सकते, दे कैनॉट इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर ओन इंटरेस्ट. दैट इज व्हाई टू प्रोटेक्ट द माइनर्स दे हैव डिस्क्वालिफाइड माइनर्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. पर अगर किसी ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या होगा, कर तो सकता है ना, लॉ बोलता है कि आप नहीं कर सकते, मतलब लॉ बोलता है कि आप नो पार्किंग में गाड़ी मत लगाओ, बट फिर भी लोग लगाते हैं. सो लगाएंगे तो क्या होगा, अभी क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेज है वो देखना पड़ेगा. सो लॉ बोलता है कि भाई अगर आप माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बट लोग तो बना ही सकते हैं, अभी बना लिया उसके बाद क्या होगा, राइट. सो यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट माइनर्स अग्रीमेंट और पोजीशन ऑफ अ माइनर इफ अ माइनर हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एन अग्रीमेंट, ठीक है. सो देखो, फर्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर, मतलब माइनर खुद से चल के आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने आया या आप चल के गए माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, मतलब इन वन केस माइनर इज द प्रोमिसर, इन अनदर केस द माइनर इज द प्रोमिसी, कोई भी सिचुएशन हो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, सिंपल, कोई भी सिचुएशन हो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब
कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं है. एब्सोल्युटली क्लियर. अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. एनी अग्रीमेंट विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. वेरी बिगनिंग मतलब क्या? वॉइड एट इनिशियो. एब्सोल्युटली क्लियर. देखो एक एक करके पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. कॉम्पिटेंस कैसे क्रिएट होता है? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड वाला आदमी होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. मेजर मतलब क्या? 18 इयर्स और अबव. फिर अभी हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं कि अगर किसी माइनर के साथ कोई अग्रीमेंट बनाया गया है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा. एक्ट ने क्या बोला? वॉइड एब इनिशियो, इट विल नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है? बिकॉज माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अगर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो. ठीक है. नाउ देयर इज अ रेफरेंस ऑफ अ केस लॉ विच सेज मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष. अभी इसमें क्या हुआ था ना, माइनर ने एक मेजर से 20,000 रुपीज का लोन लिया. क्या लिया? 20,000 रुपीज का लोन. अभी आप किसी को लोन तो ऐसे ही नहीं दे देते हो ना, कुछ सिक्योरिटी मांगोगे ना. तो माइनर ने क्या किया, एक मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब किसी चीज को गिरवी रखा. राइट, क्या किया उसने? किसी चीज को गिरवी रखा. ही प्रोवाइडेड समथिंग एज सिक्योरिटी टू द मेजर पर्सन, राइट, हु हैड गिवन अ लोन टू अ माइनर. ठीक है. फिर क्या हुआ ना, माइनर पैसे रिटर्न नहीं कर रहा था. पैसे तो ले लिए इसने 20,000, फिर वो पैसे रिटर्न नहीं कर रहा था. तो ये जो मेजर, जो मनी लेंडर था, उसने पैसे दिए थे. उसने कोर्ट में केस लेकर आया कि भाई जो सिक्योरिटी माइनर ने मेरे को दी है, मैं उसको बेच के अपने पैसे रिकवर करूंगा. कोर्ट, तुम मेरे को परमिशन दो कि मैं माइनर की ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी बेच दूं. कोर्ट ने बोला इस मेजर आदमी को, भाई तुमने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया? तो उस आदमी ने बोला कि भाई मैंने तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है. कोर्ट ने बोला द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो. क्या कोर्ट ने बोला? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो. आपके फेवर में कोई मॉर्गेज है ही नहीं, बिकॉज एक माइनर में ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो मॉर्गेज डीड आपके फेवर में एग्जीक्यूट कर सके. अभी आप घर जाओ, आपको कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा. एब्सोल्युटली क्लियर. सो इट सेज ए अ माइनर बोरोड रुपीज 20,000 फ्रॉम बी एंड एज सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज इन हिज फेवर. मॉर्गेज इन हिज फेवर मतलब प्रोवाइडेड सम सिक्योरिटी. ठीक है, आप लोगों में से अगर कोई माइनर है ना, तो उसको अभी पता चलेगा कि कितने पावरफुल हो आप एज अ माइनर. और अभी कोई माइनर से मेजर जस्ट हुआ है ना, तो उसको लगेगा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. ठीक है. सो देखते हैं, चलो. अ माइनर बोरोड रुपीज 20,000 फ्रॉम बी एंड एज सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज इन हिज फेवर. ही बिकेम अ मेजर फ्यू मंथ्स लेटर and filed a suit for declaration that the mortgage executed by him during the minority was void and should be cancelled. It was held that the mortgage by the minor was void and B was not entitled to repayment of the money. मतलब अगर भूल से भी minor को आपने loan दे दिया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे, because the contract is void at initio. You cannot enforce repayment on a minor. Absolutely clear. So देखो क्या समझा, कि भाई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे कैसा होगा? void at initio. अगर माइनर को पैसे दे दिए तुमने, भले ही माइनर तुमको कुछ सिक्योरिटी दे रहा है, बट जब रीपेमेंट का टाइम आएगा ना, वो बोल देगा भाई मैं तो माइनर हूं, अब पैसे वैसे तुमको कुछ मिलने वाले नहीं है. क्लियर है? तो बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद माइनर्स. Second, no ratification after attaining majority. देखो ये चीज ध्यान से सुनना. Ratification का मतलब होता है approval.
रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? अप्रूवल. सी दीज पीपीटीज हैव लैंग्वेज एब्सोल्युटली सेम एज योर मटेरियल. ठीक है, दैट इज वाई वील बी रीडिंग इट लाइन बाय लाइन. बिकॉज जब आप लर्न करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको लर्न करके लिखना है ना, तो एटलीस्ट एक बार साथ में रीड किया हुआ होगा तो क्या होगा, यू विल बी फेमिलियर विथ इट. कोई ऐसे वर्ड्स होंगे जिसका मीनिंग मेरे को बताना है आपको, तो वो भी फेमिलियर हो जाएगा. तो डुअल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अचीव हो जाएंगे. क्या? एक तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही रहा है, प्लस उसका टेक्स्ट भी अगर हम लोगों ने पढ़ लिया है साथ में, तो यू आर लेट्स से एक्वेंटेड विद द टेक्स्ट एज वेल, सो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू लर्न. और देखो, वी डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग लाइक छापो फ्रॉम द बुक. What we need to do is we need to understand the concept. We can write in our language but without losing the essence. मतलब जब अगर हम redraft कर रहे हैं और redraft का meaning ही पूरा अलग निकल रहा है तो वो नहीं चलेगा. जो keywords में हमेशा mark कराते रहता हूँ वो keywords तो आपके answer में होने ही चाहिए. ठीक है, no ratification after attaining majority. अभी ratification का मतलब क्या होता है? Approval. क्या होता है? Approval. अभी देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. समझ लो M छोटा M है, माइनर है, दिस M इज अ मेजर. ठीक है, अभी क्या हुआ, M गेव ए लोन ऑफ रुपीज 1 lakh टू M हु इज अ माइनर. ठीक है, इन रिटर्न दिस छोटा एम माइनर एग्जीक्यूटेड अ प्रोमिसरी नोट. प्रोमिसरी नोट मतलब अ प्रोमिस टू पे अ सर्टन सम आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर है? अ प्रोमिस टू पे अ स्पेसिफिक सम आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. तो एक मेजर ने एक माइनर को लोन दिया और उस लोन के एक्नॉलेजमेंट में, ध्यान से सुनो, उस लोन के एक्नॉलेजमेंट में माइनर ने एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया. राइट, माइनर ने एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया इन फेवर ऑफ द मेजर. अभी देखो इसके बाद क्या किया ना, इसके बाद ऐसा हुआ कि दिस माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो. ठीक है, फिर देखो व्हाट हैपेंड आफ्टर बिकमिंग मेजर. अभी मतलब माइनर ने अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया. राइट, माइनर है सेलिब्रेटेड इज 18th बर्थडे. अभी ये बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद, ठीक है, ये बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या रहेगा, वॉइड एब इनिशियो. तो माइनर वांटेड टू रेटिफाई, अभी ऊपर लिख रहा हूं मैं, रेटिफाई मतलब क्या, अप्रूव द प्रोमिसरी नोट. ठीक है, माइनर अब मेजर बन गया. आफ्टर बिकमिंग मेजर उसको क्या करना था, ये प्रोमिसरी नोट रेटिफाई करना था. बोलना था कि ये प्रोमिसरी नोट जो एज अ माइनर मैंने एग्जीक्यूट किया था वो तो वॉइड है, अभी मैं चाह रहा हूं कि एक फ्रेश प्रोमिसरी नोट में मेजर के फेवर में दू. क्या वो प्रोमिसरी नोट वैलिड रहेगा? द क्वेश्चन इज क्या वो प्रोमिसरी नोट वैलिड रहेगा. Try and understand the transaction. Let's say I am a major, he is a minor. I give him a loan. उसने मेरे को एक promissory note दिया, ठीक है? अभी ये तो promissory note और loan का transaction is void ab initio because there cannot be a transaction between a major and a minor. फिर क्या हुआ ना? After he became a major, इसने चाहा कि एक fresh promissory note मेरे को ये दे दे. राइट, एज एन एक्नॉलेजमेंट के उसने मेरे से लोन लिया था. कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो फ्रेश प्रोमिसरी नोट भी ये एग्जीक्यूट कर रहा है,
कब ये इसने प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया? आफ्टर बिकमिंग अ मेजर. आफ्टर ही बिकेम अ मेजर ही इज गिविंग मी अ फ्रेश प्रोमिसरी नोट. इज दिस प्रोमिसरी नोट वैलिड? क्वेश्चन इज दैट. जब कोर्ट में ये क्वेश्चन आया ना, तो कोर्ट ने मेजर से पूछा कि भाई आपको ये प्रोमिसरी नोट मिला, उसके बदले आपने माइनर को क्या दिया? आफ्टर द माइनर बिकेम अ मेजर ही इज एग्जीक्यूटिंग अ प्रोमिसरी नोट, राइट? तो मेजर को तो प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट कर दिया टूवर्ड्स द लेंडर. लेंडर ने क्या उस मेजर को कुछ दिया इन रिटर्न एट दैट पॉइंट? नो. तो कोर्ट ने बोला इस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं है. इस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं है. तो आप लोग मेरे को बोलोगे कि सर हम यूनिट टू पढ़ चुके हैं और यूनिट टू में हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट कंसिडरेशन, कि अगर पास्ट में कोई कुछ आपके लिए कर चुका है और उसके लिए सब्सिक्वेंटली आप कोई प्रॉमिस करते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. क्लियर है? सो फिर बात उठी कि देखो पास्ट में लेंडर ने एक लोन दिया था, जज साहब ने बोला पास्ट में जो लोन था ना वो वॉइड एब इनिशियो था, राइट? पास्ट की बात मत करो बिकॉज पास्ट का ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता ही नहीं है बिकॉज इट वॉज वॉइड एब इनिशियो. अभी जो प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट हो रही है उसके रिटर्न में क्या कुछ जा रहा है? नहीं. बोला इट इज वॉइड एब इनिशियो. क्लियर है? ध्यान से पढ़ते हैं. No ratification after attaining majority. A minor cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio. Since the original agreement is void ab initio, आप उसको वापस approve नहीं कर सकते हो. And a void agreement can never be रेटिफाइड. क्लियर है? वॉइड अग्रीमेंट को आप वापस रेटिफाई नहीं कर सकते हो. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी. माइनर मेजर बनने के बाद अपने पुराने ट्रांजैक्शंस को रेटिफाई नहीं कर सकता है बिकॉज वो ट्रांजैक्शंस या वो अग्रीमेंट क्या है? वॉइड एब इनिशियो, राइट? अभी इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो. और ये वॉइड क्यों है? Because of absence of consideration. क्यों void है? Because of absence of consideration. Because major बनने के बाद एक promissory note execute हो रही है, उसके बदले जब ये promissory note execute हो रही है कुछ return में मिल रहा है क्या? Answer is no. There is no consideration in the transaction. X, a minor, makes a promissory note in the name of Y. X कौन है? माइनर है. इसने एक प्रोमिसरी नोट बनाई किसके नाम पे? Y. What is this transaction? Void ab initio. On attaining majority, he cannot ratify it. Right? After attaining majority, he cannot ratify it. And if he makes a new promissory note, मतलब अगर नई प्रोमिसरी, उसको तो अप्रूव नहीं कर सकता है. अगर एक नई प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा? इफ ही मेक्स अ न्यू प्रोमिसरी नोट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, योर द न्यू प्रोमिसरी नोट विच इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, राइट? जो नया प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट हुआ है आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी इज ऑल्सो वॉइड. मतलब नया प्रोमिसरी नोट भी क्या है? Void. Why? Being without consideration. Court बोलेगा आप नया promissory note issue कर रहे हो, उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? बोला कुछ नहीं मिल रहा है, पहले मिला था. पहले मिला था वो क्या था? Void ab initio. तो ये नया promissory note भी void माना जाएगा. Absolutely clear? Give me 2 minutes, I'll just be back.
Right, so hoga. See, so we come to the next point, which is minor can be a beneficiary or can take benefits out of the contract. See, why I was saying that minor is one of the loved person of Indian Contract Act. देखो इसके पहले हम लोग क्या पढ़ के आए, हम लोगों ने ये देखा कि भाई माइनर के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो. आपने अगर माइनर को कोई लोन दे दिया तो उसके रीपेमेंट के लिए क्या आप माइनर पे केस कर सकते हो? आंसर इज नो. बोला कैसे करोगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड एब इनिशियो है. अभी देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब क्या कि माइनर के साथ भले ही आप जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो वॉइड एब इनिशियो है, बट ये जो माइनर के साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है अगर ये माइनर के बेनिफिट के लिए है तो माइनर उसको एनफोर्स कर सकता है. ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड but still the minor can enforce and derive benefit out of such contract. मतलब क्या, अभी रिवर्स बात करेंगे. पहले एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा था कि a major is giving a loan to the minor. Can that major enforce? No. Minor payment नहीं करेगा तो क्या major enforce कर सकेगा? Answer is no. Reverse situation. एक minor ने किसी major को loan दिया, राइट, एक माइनर ने किसी मेजर को
लोन दिया. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड एब इनिशियो, राइट. अभी ये मेजर ने सोचा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो है. जब माइनर इस मेजर के पास पैसे मांगने आया, बोला मेजर पैसे दे दो, मैंने तुमको लोन दिया था. मेजर ने बोला जाओ कोर्ट में केस कर दो, अब तो तुम फंस गए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है. माइनर ने कोर्ट पे केस किया, जज साहब ने बोला मेजर तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो. मेजर ने बोला जज साहब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, मेरे से माइनर पैसे नहीं मांग सकता है. अब जज साहब ने बोला कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो है, बट हम माइनर का नुकसान नहीं होने देंगे. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रिस्ट्रिक्टिंग माइनर फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. माइनर को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करने दे रहे? सो दैट माइनर का नुकसान ना हो, कोई माइनर से अनफेयर एडवांटेज ना उठा सके. तुमने माइनर से लोन लिया है ना, तो तुमको माइनर को ये लोन रीपे करना पड़ेगा. बिकॉज अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भले वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, बट अगर माइनर को बेनिफिट मिलने वाला है तो माइनर उस बेनिफिट को एनफोर्स कर सकता है. एब्सोल्यूटली क्लियर. माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगर आपने माइनर को लोन दिया तो माइनर आपसे केस करके पैसे रिकवर कर सकता है. बट अगर एक मेजर अगर माइनर को लोन देगा, राइट, सो मेजर माइनर के ऊपर केस करके अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकेगा. ठीक है. तो दो अ माइनर इज नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम टेकिंग द इन फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर. मतलब माइनर इज नॉट बाउंड बट द अदर पार्टी इज बाउंड टू द माइनर. क्लियर है ना. माइनर इज नॉट बाउंड टू अ मेजर बट अ मेजर इज बाउंड टू अ माइनर. Thus, a promissory note duly executed in favor of a minor, right? अभी क्या हुआ ना, माइनर ने लोन दिया, लेंडर कौन है? माइनर. मेजर ने एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट करके दिया. Although the contract is void ab initio, still the minor will be able to enforce repayment of the loan. Thus, a promissory note being executed in favor of a minor is not void, right? Is not void and can be sued upon by him because he, though incompetent to contract, may accept a benefit. Matlab, there can be a contract for the benefit of a minor, but there cannot be a contract to the detriment of a माइनर. माइनर कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, बट फिर भी माइनर बेनिफिट क्लेम कर सकता है. अ माइनर कैनॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म. बिकॉज अभी जब हम पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे ना, तब हम समझेंगे कि पार्टनरशिप कैसे अराइज होता है. पार्टनरशिप डीड से. पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. और ये तो कमर्शियल नेचर का अग्रीमेंट है ना, तो डीम एनफोर्सिएबल. सो इन अदर वर्ड्स, अ पार्टनरशिप डीड इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. अ पार्टनरशिप डीड इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है? नो. दैट इज व्हाई अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म. हाउएवर, ही मे विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स be admitted to the benefits of partnership. मतलब एक माइनर को आप पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एंटाइटल या एंटर कर सकते हो. अभी इसका पूरा सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे इन द पार्टनरशिप एक्ट, बट कुछ पॉइंट्स बता दूंगा. बिकॉज वंस यू रीड समथिंग, कुछ ना कुछ ख्याल आते होंगे ना, कभी ये माइनर क्या बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, माइनर क्या फर्म के लिए लायबल होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. सिंपल सेंस में, माइनर विल बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. माइनर का क्या राइट है? अपना शेयर प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी का उसको मिलना चाहिए. क्या माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी है? बोला नहीं.
बिकॉज पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं. क्या माइनर बिजनेस कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट करेगा? आंसर इज नो. माइनर का कितना राइट है? खाली अपना शेयर क्लेम करने का माइनर का राइट है. ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. क्लियर है? सो देखो, तीन पॉइंट हम लोगों ने देखे. माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसा होगा? वॉइड एब इनिशियो. माइनर क्या ड्यूरिंग द एज ऑफ माइनॉरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है या अग्रीमेंट बनाया है, मेजर बन के उसको रेटिफाई कर सकता है क्या? आंसर इज नो. बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है वो तो रेटिफाई नहीं होगा. वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करेगा वो भी वॉइड माना जाएगा बिकॉज उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं होगा. थर्ड सिनेरियो, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए है तो माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है. बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं होगा. दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो. एब्सोल्युटली क्लियर? देन अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. अभी देखो ये बहुत बहुत अनफेयर. हाँ, क्या हुआ कि ये मेरे पास आया एक दिन, मेरे को बोला सर आप ऐसा मत समझिए कि मैं अभी फाउंडेशन लेवल पे हूं तो माइनर हूं. आई एम अ 20-year-old guy. मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए, आप मेरे को 25,000 रुपये लोन दीजिए ना. तो मैंने इसको 25,000 रुपये लोन दे दिया. ठीक है, बोला था कि सर मैं 15 दिन में आपका लोन लौटा दूंगा. तो बोला ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी 15 दिन हो गए, मैं इसके पास गया, भाई क्या हुआ 25,000 रुपया लौटा? बोलते सर एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, हाँ सर आई एम ओनली 17, आई एम अ माइनर. ठीक है, तो अब बचपन से ही फ्रॉड करना शुरू कर दिया, राइट? ये 17 बोलता है 20 साल का हूं बोल के मेरे से लोन ले लिया. ठीक है, अभी तो मैं उसको बोल रहा हूँ ठीक है यार तू 17 साल का है बहुत अच्छी बात है पैसे दे दे. मेरे को बोल रहे सर आपने ही सिखाया था वॉइड एब इनिशियो, जाओ जो करना है कर लो. ठीक है, आई विल गो टू द कोर्ट ऑब्वियसली. अभी मेरा 25,000 रुपया फंस गया है, जज साहब को बोलूंगा ये झूठा माइनर है, बहुत झूठ बोलता है ये, मेरे को बोला 20 साल का है 17 साल का लोन लेकर गया, आप कुछ हेल्प करो. तो जज साहब बोलते हैं बच्चा है मजाक तो कर ही सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें, आपको कॉशन रखना चाहिए. अभी छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, शरारती होते हैं. अब बोल दिया आपने लोन दे दिया, हम क्या करें, राइट? हम तो बच्चों को कुछ नहीं कर सकते. क्लियर? तो देखो क्या, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, राइट? अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. प्लीड मतलब कि जब आप मे बी स्कूल में कुछ शरारत करते पकड़े जाते थे तो बोलते थे सॉरी मैम, सॉरी सर, लास्ट टाइम, इस बार छोड़ दो, पेरेंट्स कॉल मत करो, दैट इज नोन एज प्लीडिंग. तो कोर्ट में आप जज साहब के सामने प्लीड करते हो, उनको रिक्वेस्ट करते हो, राइट? प्लीड वुड मीन रिक्वेस्ट. देखो इसको पढ़ते हैं. अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, राइट? अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप्ड टू डू सो इवन वेर ही हैज टेकन एनी लोन और एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट by falsely representing that he was a major. तो ये बहुत शरारती बच्चा है, 17 साल का है, आके बोलता है 20 साल का हो, लोन ले गया, झूठ बोला ना इसने. अभी मैंने तो इसको दे दिए बट जब इसकी रिकवरी का टाइम आएगा मैं इसको बोलूंगा पैसे दे, तब ये बोलेगा अब तो मेरे को सही एज याद आ गई, आई एम 17, आई विल नॉट पे. The rule of estoppel cannot be applied against a minor. It means he can always plea his minority in defense. मतलब कोर्ट में जब मैं इसके ऊपर केस करूंगा वो जज साहब को बोलेगा जज साहब मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, आप क्या करें. क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो. ऑल्दो ही फॉल्सली रिप्रेजेंटेड हिज एज,
and entered into a contract or took a loan, afterwards he will say, "Main bachcha hu, I was just joking," right? It cannot be enforced. Clear hai? So abhi sab minor jo major hue honge woh soch rahe honge, bhai opportunity nikal gaya hamari. Koi baat nahi. Chalo. Abhi dekho ek scenario, and this is the only scenario jahan pe minor ko liable kiya gaya hai, right? मतलब माइनर को तो बहुत छूट दी एक्सट्रीम लेवल तक, बट एक सिनेरियो में अंडर वन सर्कमस्टेंसेस माइनर को लायबल किया गया है. लेट अस लुक एट दैट सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में माइनर को लायबल किया गया है. बोला लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज. नेसेसरीज मतलब क्या? जरूरत की चीजें, राइट? नेसेसरीज मतलब क्या? जरूरत की चीजें. अगर आप किसी से कोई जरूरत की चीज लेते हो, ठीक है, विच इज असेंशियल टू यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, द माइनर इज लायबल फॉर दैट. हु इज लायबल? माइनर इज लायबल फॉर दैट. मतलब कि अभी ही इज अ 17 ईयर ओल्ड गाय, साइकिल वाइकिल चलाता है रोज, तो एक दिन चलाते चलाते स्लिप हो गया, एक्सीडेंट हो गया इसका, ठीक है, तो हाथ पैर सब जगह बहुत स्क्रैच वैच लग गए. अभी तो क्या करना पड़ेगा? दवाई ववाई करनी पड़ेगी. तो वहां पे समझो कि देयर वाज अ मेडिसिन स्टोर, तो वो उस मेडिसिन स्टोर में गया, बोला देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज जल्दी से मेरे को बैंडेड वैंडेज कर दो. वॉज इट एब्सोल्यूटली नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? यस. सो उस मेडिसिन स्टोर वाले ने इसको दवाई ववाई लगाई, बैंडेड वैंडेज सब कुछ कर दिया. तो अभी देखो इट्स अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन ना, मतलब अगर वो बैंडेड वैंडेज अप्लाई कर रहा है तो हिज ऑब्लिगेशन इज टू पे. सब करने के बाद मेडिसिन स्टोर वाले ने बिल दिया 800 रुपए का. ये बोलता है दादा आई एम अ माइनर, आप बिल विल मेरे को नहीं दे सकते, देर कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद मी, राइट? एक्ट बोलता है ऐसा नहीं कर सकते हो. अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है, नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहा है विच वॉज असेंशियल फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा. एब्सोल्युटली क्लियर? अगर ये पैसा नहीं देगा तो क्या करेंगे? क्या पेरेंट्स से पैसा वसूलेंगे? अगर ये पैसा नहीं देगा, अभी इसके पास समझ लो पैसा नहीं है 800 रुपया, ये पैसा नहीं देता है, क्या पेरेंट्स से वसूली करेंगे? आंसर इज नो. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि माइनर अपने पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकते. पैसा रिकवर कर सकते हो, किससे रिकवर कर सकते हो? माइनर से. मतलब माइनर की साइकिल बेच के आप जो पैसा रिकवर कर सकते हो वो कर लो, बट यू कैन नॉट हेल्ड एनीबडी एल्स लायबल, राइट? इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर. किससे? फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर. तो देखो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी कि ऐसे तो माइनर के ऊपर कोई भी एनफोर्स नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? वॉइड एट इनिशियो. माइनर चाहे तो किसी और के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या माइनर किसी भी सिनेरियो में लायबल नहीं है? बोला एक सिनेरियो में है, जब उसको नेसेसरी सप्लाई की जा रही है which was essential, which was required from for him at that point of time, अगर वैसा कुछ supply किया जा रहा है तब minor liable है. कहां से पैसा देगा? अगर उसके पास है तो देगा, नहीं तो उसकी property को recover करके पैसा वसूल किया जा सकता है. Absolutely clear? Second, example को सुनना ध्यान से. अभी ये हमारा minor है, ये cycle से गिर गया, ठीक है, इसका मेडिकल स्टोर में इसको पट्टी वट्टी बैंडेड वैंडेड सब कुछ लगाया, 800 रुपए का बिल बना. इसका फ्रेंड भी साथ में था, ठीक है, इसका फ्रेंड मेजर है, राइट? इसका फ्रेंड मेजर है, तो इसने माइनर को बोला भाई अभी तेरे पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 800 रुपया दे देता हूं, तुम मेरे को बाद में दे देना, ठीक है. हु इज पेइंग नाउ? फ्रेंड. हु इज पेइंग? फ्रेंड. फ्रेंड कौन है? मेजर है. फ्रेंड ने पैसे दे दिए मेडिसिन स्टोर वाले को, अभी ये घर चले गए. नेक्स्ट दिन फ्रेंड वापस उसके घर जाएगा ऑब्वियसली देखने के लिए कैसा है कि नहीं है,
और उससे भी इम्पोर्टेंट 800 रुपए फंसे हुए वो तो निकलवाने पड़ेंगे। तो ये इसके घर गया, अभी दोनों सीए पढ़ रहे हैं ना, घर गया बोला कि भाई मेरे 800 रुपए दे। तो बोला किस बात के, आई एम अ माइनर, जाओ कोर्ट में जाओ, जज साहब भी तुमको हेल्प नहीं करेंगे। बट इस सिचुएशन में जज साहब इसको हेल्प करेंगे, क्यों? बिकॉज इसने पैसे दिए टू मीट नेसेसरीज, ही हैज एडवांस्ड मनी फॉर प्रोविजन ऑफ नेसेसरीज टू द माइनर। एब्सोल्युटली क्लियर? तो देखो दो सिनेरियो हमने देखे, पहले आप डायरेक्टली माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो, आप माइनर से क्लेम कर सकते हो। आप माइनर के बिहाफ में किसी को पैसे दे रहे हो फॉर प्रोविजन ऑफ नेसेसरीज टू द माइनर, उस सिनेरियो में भी आप एनफोर्स कर सकते हो। नाउ लेट अस रीड थ्रू द थिंग। अ क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाई की गई है तो उसको एनफोर्स करके माइनर से रिकवरी की जा सकती है। बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ द नेसेसरीज। मतलब क्या कि माइनर की मरम पट्टी सब कुछ हो गई, उसको बैंडेड वैंडेड सब कुछ लगा दिया, अभी ये माइनर को वहां पे है ना एक डेरी मिल्क का बड़ा बॉक्स दिख गया, तो माइनर ने बोला चलो डेरी मिल्क भी खाते। तो माइनर ने उस स्टोर वाले को बोला मेरे को डेरी मिल्क भी दे दो। स्टोर वाले ने बोला कितनी चाहिए, बोला 10 पीस दे दो डेरी मिल्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? अभी स्टोर वाले ने 10 पीस डेरी मिल्क भी इसको दे दी। कैन दैट मेडिसिन स्टोर रिकवर अमाउंट विच इज ड्यू फॉर दैट 10 पीस ऑफ डेरी मिल्क? आंसर इज नो, बिकॉज लायबिलिटी किसके लिए है? नेसेसरीज के लिए। मतलब ये डेरी मिल्क खाएगा तभी ठीक होगा क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर ओवर एंड अबव कुछ उसको प्रोवाइड किया जा रहा है तब माइनर विल नॉट बी लायबल। एब्सोल्युटली क्लियर? अभी ये माइनर बहुत स्मार्ट है, इसने क्या किया ना, वहां पे आदमी ने उसको सब बैंडेड वैंडेड सब कुछ कर दिया, नेसेसरीज प्रोवाइड कर दिया। उसने बोला बिल कितना बना, बोला कि बिल 800 रुपए का बना। ये बोलता है आप लोग स्टोर के आदमी लोग, मेडिसिन स्टोर के बहुत अच्छे आदमी लोग, मैं 800 नहीं आपको 1500 रुपए दूंगा। कितना? 1500। आई विल पे यू 1500 रुपीज, टिप दूंगा मैं आपको, ठीक है? बट अभी तो पैसे नहीं है, कल दे दूंगा, चलो अभी जाने दो, ठीक है? नेक्स्ट डे ये बोलता है मैं कुछ भी नहीं दूंगा, जाओ, आई एम अ माइनर। वो मेडिसिन स्टोर कितना रिकवर कर सकेगा? 1500 के 800, 800। कोर्ट बोलेगा अभी ये तो माइनर है, ऐसे ही बोल दिया होगा, इसने दे दूंगा एक्स्ट्रा। उसको भूल जाओ, बच्चे की बात को ज्यादा मन में मत लगाओ। आपने 800 रुपए की नेसेसरी सप्लाई की है ना, आपको 800 रुपए का क्लेम मिलेगा। एब्सोल्युटली क्लियर? अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, फर्स्ट। सेकेंड, बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रोमिस एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरीज। प्लीज एग्जाम्पल याद रखना ये वाला, ठीक है? साइड में लिख लो कि भाई माइनर का एक्सीडेंट हुआ था साइकिल से, राइट? ये लिखोगे तो क्लास में जो बोला हुआ है वो याद आएगा। क्लियर है ना? तो स्टार्ट टेकिंग समरी नोट्स, और एग्जाम्पल्स अगर याद है ना तो पूरा प्रोविजन अच्छे से हो जाएगा। अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरी। मतलब अगर ओवर एंड अबव नेसेसरी से कोई प्राइस प्रॉमिस किया गया है या नेसेसरीज को छोड़ के और कुछ भी सप्लाई किया गया है तो उसके लिए माइनर लायबल नहीं है। देर इज नो पर्सनल लायबिलिटी, ध्यान से सुनो, देर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर, बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। मतलब अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से आपका पैसा रिकवर हो सकता है। किसकी प्रॉपर्टी? हिज, मतलब माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवरी की बात हो रही
है. एब्सोल्युटली क्लियर. सो माइनर नेसेसरीज के लिए लायबल है, ठीक है. ओवर एंड अबव अगर कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसके लिए वो लायबल नहीं है. माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवरी हो सकती है. टू रेंडर्स माइनर्स स्टेट लायबल फॉर नेसेसरीज टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. माइनर्स स्टेट मतलब स्टेट का मतलब प्रॉपर्टी, स्टेट का मतलब प्रॉपर्टी. टू रेंडर माइनर्स स्टेट लायबल फॉर नेसेसरीज टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. फर्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द सिचुएशन इन लाइफ. मतलब जो प्रोवाइड किया गया था वो नेसेसरी था फॉर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन द सिचुएशन द माइनर वॉज. मतलब एक्सीडेंट हुआ था ना तो उसको दवाई लगाना जरूरी था. माइनर मस्ट नॉट ऑलरेडी हैव अ सफिशियंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरीज. मतलब कि भाई माइनर जो साइकिल चला रहा था उस साइकिल में एक मेडिसिन किट था ऑलरेडी, ठीक है. मेडिसिन किट जहां पे सफिशियंट बैंडेज, डेटॉल एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ था. तो वो किट होने के बावजूद उस मेडिसिन स्टोर ने अपना माल बेचने के लिए उसको बैंडेड बैंडेड दवाई लगा दी. उस सिनेरियो में क्या वो मेडिसिन स्टोर क्लेम कर सकेगा? द आंसर इज नो. दो चीज, एक नेसेसरी होना चाहिए एट दैट पॉइंट इन टाइम. अगर नेसेसरी नहीं है फिर भी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो तब उसको नेसेसरीज माना नहीं जाएगा. सेकेंड, जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका सफिशियंट सप्लाई भी माइनर के पास नहीं होना चाहिए. अगर माइनर के पास उसका सफिशियंट सप्लाई है तभी भी उस सिनेरियो में भी वो एनफोर्सिएबल नहीं माना जाएगा. एब्सोल्युटली क्लियर. नेसेसरीज मींस, नेसेसरीज का क्या मतलब होता है? थिंग्स दैट आर असेंशियली नीडेड. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड नेसेसरीज, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हमें नेसेसरीज को तो जज करना पड़ेगा ना. और नेसेसरीज का मतलब क्या? थिंग्स दैट आर असेंशियली नीडेड, वो चीजें जो बहुत ही जरूरी है. दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरी, कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल. राइट, यहाँ पे लग्जरीज या अननेसेसरी आइटम की बात नहीं हो रही है. दीज थिंग्स शुड बी विच इज एब्सोल्यूटली necessary. Absolutely clear, right? They cannot include luxuries, costly or unnecessary items. Expenses on minor, very important. अगर कोई case, अगर कोई situation based question आएगा, right? कि minor के education के लिए कोई पैसा दिया, क्या वो necessary के category में आएगा के नहीं? ये तीन चार points please याद रखना. Expense on minors education, funeral ceremonies come into the scope of the word necessary. Specifically, चीजों को necessaries के definition में include किया गया है. Absolutely clear. Expenses on minors education, on funeral ceremonies come within the scope of the word necessaries. Clear? तो इसको फटाफट समराइज करेंगे. माइनर इज लायबल फॉर नेसेसरी सप्लाई टू हिम. नेसेसरीज क्या होता है? असेंशियली नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. अगर माइनर ने कुछ एक्स्ट्रा प्राइस या अगर माइनर को नेसेसरीज छोड़ के और कुछ सप्लाई किया गया है उसके लिए क्या लायबल है माइनर? नो. क्या माइनर पर्सनली लायबल है? नो. कहां से रिकवरी होगा? His property. किसकी प्रॉपर्टी? माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवरी हो सकती है. क्लियर है? अगर माइनर के पास जो नेसेसरी सप्लाई की गई है उसकी सफिशियंट सप्लाई ऑलरेडी मौजूद थी, क्या लायबल होगा माइनर? आंसर इज नो. क्लियर है? लग्जरीज या कॉस्टली या अननेसेसरी आइटम्स को नेसेसरीज के डेफिनेशन में लेंगे? नहीं.
necessaries में education and funeral services को include किया गया है. हाँ, तो कुछ नहीं हो सकेगा फिर. राइट, व्हाट इज सेइंग, अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या, तब कुछ नहीं, यू कैन नॉट एनफोर्स, स्टोरी ओवर. ठीक है, सेकेंड और सिक्स्थ पॉइंट रादर, माइनर्स अग्रीमेंट और पोजीशन ऑफ माइनर, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, हाउ फार एनफोर्सेबल. अभी देखो गार्डियन मतलब क्या, somebody who has the responsibility to take care of the minor, right? Guardian मतलब क्या, someone who is responsible for the minor, right? Someone who is responsible for the minor is known as the guardian. Clear है? Someone who is responsible for the minor is known as the guardian. Contract by guardian मतलब guardian minor के behalf में contract कर रहा है, वो वाले situation को हम analyze करेंगे. Right? तो देखो दो तीन चीज हमें यहाँ पे समझनी है. First, कि क्या एक guardian माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड माना जाएगा, और किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स है जो गार्डियन माइनर के बिहाफ में कर सकता है या नहीं कर सकता. राइट, ये तीन चार पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे एड्रेस करेंगे. फर्स्ट क्या जानना है, कैन अ गार्डियन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, फर्स्ट. सेकेंड, अगर एंटर करता है तो क्या ये वैलिड माने जाएंगे. थर्ड, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स गार्डियन माइनर के बिहाफ में कर सकता है और किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स गार्डियन माइनर के बिहाफ में नहीं कर सकता है. दीज आर द पॉइंट्स दैट वी विल एड्रेस हियर. ठीक है, तो देखो एक्ट क्या बोलता है कि अगर माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वॉइड एप इनिशियो माना जाएगा. बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में, ध्यान दो वर्ड पे, कुछ सर्कमस्टेंसेस, नॉट ऑलवेज, अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस अ गार्डियन कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर. क्लियर है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में गार्डियन माइनर के बिहाफ में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है. बट वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, गार्डियन की कैपेसिटी के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. किसकी कैपेसिटी के अंदर, गार्डियन को वो कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन होनी चाहिए. वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए. मतलब एक्ट इज वेरी क्लियर, वी विल नेवर पुट अ माइनर इनटू एन ऑब्लिगेशन और अ डेट्रीमेंट. गार्डियन को भी बोला कि तुम गार्डियन माइनर के बिहाफ में अग्रीमेंट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो कुछ सर्कमस्टेंसेस में, बट वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर. वहां पे भी माइनर का कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए. राइट, सो देखो एक्ट क्या बोलता है, दो अ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड, मतलब अगर माइनर के साथ आप कोई अग्रीमेंट बना रहे हो तो वो अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड. हिज गार्डियन कैन अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, राइट, हिज गार्डियन कैन अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर. मतलब कुछ सर्कमस्टेंसेस में, राइट, कुछ सर्कमस्टेंसेस में गार्डियन माइनर के बिहाफ में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं. वेयर द गार्डियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज विद इन हिज कॉम्पिटेंस, मतलब किसके कॉम्पिटेंस में, गार्डियन, विच इज विद इन हिज कॉम्पिटेंस एंड
which is for the benefit of the minor, मतलब guardian के competence के अंदर होना चाहिए. Second, minor के benefit के लिए होना चाहिए. Both these situations should be satisfied, right? So simple simple अगर रखे ना, तो क्या guardian minor के behalf में contract बना सकता है? हाँ, valid contract बना सकता है. किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? गार्डियन के कॉम्पिटेंस में होना चाहिए और माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए. क्लियर है ना? इतना याद रखना है. गार्डियन कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर. ये कॉन्ट्रैक्ट के क्या फीचर होने चाहिए? गार्डियंस के कॉम्पिटेंस के अंदर और माइनर के बेनिफिट के लिए. क्लियर है? राइट. और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच द माइनर कैन एनफोर्स. मतलब माइनर के ऊपर कोई एनफोर्स किया जा सके वैसी बात तो करना ही मत. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है अगर माइनर एनफोर्स करना चाहे तो वो एनफोर्स कर सकता है क्योंकि वो माइनर के बेनिफिट के लिए है. बट माइनर के ऊपर अगर कुछ एनफोर्स हो सके वो तो माइनर का ऑब्लिगेशन बन जाएगा ना, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है. एब्सोल्युटली क्लियर? इस डेफिनेशन को प्लीज याद रखना, इम्पोर्टेंट. राइट. विच इज विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द गार्डियन. किसके कॉम्पिटेंस में? विच इज विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द गार्डियन विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर. With the minor can enforce. Who will enforce? Minor will enforce. Absolutely clear. तो देखो इसके क्या characteristics हम लोगों ने देखे. I think this is a repeat. ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स है विच यू पीपल कैन नोट. देखो यहां पे क्या हो रहा है ना कि गार्डियन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकता है. राइट. फर्स्ट पॉइंट, गार्डियन हैज नो पावर. राइट. गार्डियन हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर फॉर परचेज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब गार्डियन माइनर के बिहाफ में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता है बिकॉज वहां पे माइनर का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा टू पे अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट. राइट. बट अ सर्टिफाइड गार्डियन. कौन? सर्टिफाइड गार्डियन. वो कौन होता है? समबडी हु इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. राइट. कौन होता है वो? समबडी हु इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट कैन सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू दी माइनर. राइट. इमूवेबल प्रॉपर्टी जो माइनर को बिलोंग करता है, माइनर के बेनिफिट के लिए उसको वो सेल कर सकता है. एब्सोल्युटली क्लियर? तो अभी इसको देखो, समराइज करेंगे वापस. माइनर के अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में गार्डियन माइनर के बिहाफ में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है. ठीक है. अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? कॉम्पिटेंस में होना चाहिए गार्डियन के, माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, तब उसको वैलिड मानेंगे और माइनर उसको एनफोर्स कर सकता है. द गार्डियन कैन नॉट कंपेल अ माइनर टू बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी. बट सर्टिफाइड गार्डियंस मीन्स द गार्डियंस हु आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट कैन sell immovable property, right, belonging to the minor for the benefit of the minor. Absolutely clear? No specific performance. ठीक है. No specific performance. मतलब अगर minor ने कुछ commit किया है, क्या? अगर minor ने कुछ commit किया है तो आप उसको compel नहीं कर सकते कि वो आपके लिए वो perform करें. मतलब फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सेय आपने किसी माइनर के साथ अग्रीमेंट किया कि माइनर तुम मेरा एसी रिपेयर कर देना. लेट्स सेय योर एसी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली,
माइनर के साथ आपने अग्रीमेंट किया, माइनर को आपने 2000 रुपए एडवांस दिया, बोला कि भाई मेरा एसी रिपेयर कर देना। आफ्टरवर्ड इफ ही इज नॉट डूइंग इट, ठीक है, कैन यू कंपेल हिम टू रिपेयर योर एसी? द आंसर इज नो, क्योंकि माइनर के साथ जो अग्रीमेंट बना वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो, तो वहां पे आप उसको कंपेल तो किसी भी सिचुएशन में कर ही नहीं सकते हो। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अ माइनर्स अग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड, मतलब इट इज वॉइड एब इनिशियो, उसका कोई स्टेटस ही नहीं है। देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच अग्रीमेंट, मतलब यू कैन नॉट कंपेल द माइनर टू डू वॉट ही हैज कमिटेड टू डू, बिकॉज उसके कमिटमेंट का कोई स्टेटस ही नहीं है, वो अग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट इज वॉइड एब इनिशियो। एब्सोल्युटली क्लियर। नो इंसॉल्वेंसी, सिंपल एक्ट बोलता है, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, राइट, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट। जब आप रेगुलर कोर्स में अपनी लायबिलिटीज को मीट नहीं कर सकते हो, राइट, योर एसेट्स आर डेफिशिएंट एज कंपेयर टू योर लायबिलिटीज, तब आप माने जाओगे इंसॉल्वेंट। बोला माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, क्या माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता? अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एज ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स, मतलब माइनर डेट ही नहीं इनकर कर सकता ना, देयर कैन नॉट बी अ लायबिलिटी अगेंस्ट द माइनर, बिकॉज माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता जो उसके डेट्रीमेंट का है। तो अगर माइनर की कोई लायबिलिटी ही नहीं है, उस सिनेरियो में उसको इंसॉल्वेंट कैसे बोलोगे? इंसॉल्वेंट तो उसको बोलोगे ना जो अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर सकता है। क्या माइनर की कोई लायबिलिटी है? नहीं, तो वो इंसॉल्वेंट कहां से होगा? क्लियर है। अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एज इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड ड्यूज, एंड ड्यूज आर पेएबल फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी एंड ही इज नॉट पर्सनली लायबल। देखो माइनर लायबल तो एक ही सर्कमस्टेंस के अंदर होता है, नेसेसरीज के अंदर, उसको छोड़ के तो उसकी कोई लायबिलिटी है नहीं, तो उसको इंसॉल्वेंट बोल नहीं सकते। और अगर उसको नेसेसरीज के लिए भी लायबल है तो वो पर्सनली लायबल तो नहीं है, उसकी खुद की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसको यूज करके वो डेट को पे किया जा सकता है। क्लियर है। सो नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बिकॉज माइनर का अग्रीमेंट क्या है, वॉइड एब इनिशियो। क्या माइनर इंसॉल्वेंट माना जा सकता है? नो, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। लॉजिक, माइनर इज नेवर लायबल, सो जिसकी लायबिलिटी ही नहीं है वो इंसॉल्वेंट कैसे बन सकता है, राइट? पार्टनरशिप, क्या माइनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। व्हाई? बिकॉज पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एंड माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज माइनर तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखता है, और पार्टनरशिप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, तो लॉजिकली माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। बट बाय स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर सेक्शन 30, कौन से एक्ट में? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, राइट? सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का बोलता है कि माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर को आप पार्टनरशिप का बेनिफिट्स में एंटर कर सकते हो। देखो बहुत स्मार्ट, माइनर को कभी भी लायबल नहीं किया, बोला कि भाई अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस होगा तो क्या होगा? बोला माइनर को कोई मतलब ही नहीं है लॉस से। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा? माइनर को उसका शेयर दे दो। क्लियर है। सिंपल लॉजिक, इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोला? बेनिफिट्स। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म का क्या बेनिफिट होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो उसको दो, लॉस होगा तो क्या उससे कॉन्ट्रीब्यूशन मांगोगे? बोला नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मांग सकते है। देन माइनर कैन बी एन एजेंट। देखो माइनर को एजेंट बना सकते हो।
a minor can act as an agent, but he will not be liable to his principal for his acts. मतलब अगेन वेरी बायस्ड बोला कि माइनर को एजेंट अगर आपको अपॉइंट करना है अपने रिस्क पे उसको अपॉइंट करो हमें प्रॉब्लम नहीं है बट ही इज नॉट लायबल टू हिज प्रिंसिपल उसकी कोई सिचुएशन में लायबिलिटी क्रिएट हो ही नहीं सकती है अ माइनर कैन ड्रॉ डिलीवर एंड एंडोर्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग liable. मतलब simple fact you need to remember that the minor cannot be liable. Right? Simple. Minor cannot be liable. Right? अगर minor को कोई benefit देना है तब आप उसको benefit दे सकते हो but अगर minor की किसी भी scenario में liability create हो रही है तो आप minor को liable नहीं कर सकते हो वो void ab initio माना जाएगा. अच्छा और एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि जब हम लोगों ने ये साइकिल एक्सीडेंट वाला एग्जांपल लिया था ना ये माइनर को चोट वोट लगी थी ही वाज हर्ट एंड देन सम बैंडेज एटसेट्रा वाज डन बिल कितना बना था 800 रुपया क्या उसके पेरेंट्स को कंपेल किया जा सकता है कि ये 800 रुपया दो बाई लॉ नो तो देखो क्या बोल रहे हैं माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्डियंस माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्डियंस मतलब कि अभी माइनर्स देखो एक बात सुन लो तुम कुछ भी कर लोगे और सोचोगे कि पापा मम्मी पैसे देंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है अगर ऐसा करोगे राइट तो यू कैन नॉट बाइंड योर पेरेंट्स और योर गार्डियंस इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी मतलब स्पेसिफिकली पेरेंट्स ने बोला हुआ है बोला ना माइनर कैन बिकम एन एजेंट तो अगर पेरेंट्स ने माइनर को अपना एजेंट बनाया है कि हमारे बिहाफ में तुम ये काम करके आओ तब तो चलेगा बट इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एन इन्फेंट इज नॉट केपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट्स और गार्डियन इवन फॉर नेसेसरीज मतलब नेसेसरीज भी अगर सप्लाई किया गया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है माइनर की प्रॉपर्टी कौन जिम्मेदार है माइनर की प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स को वो बाइंड नहीं कर सकता है पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द पेरेंट एब्सोल्युटली क्लियर तो देखो दो इसमें से पर्सपेक्टिव निकल रहे हैं फर्स्ट कैन अ माइनर bind his parents or guardian by the contracts made by himself answer is no kya kisi bhi circumstance mein bind kar sakta hai answer is yes agar uske parents ya guardian ne usko authorize kiya hai ki tum hamare behalf pe kuch kaam karo koi contract enter karo us scenario mein minor acting as an agent of the parent or the guardian can bind the parent or the guardian. Absolutely clear. मतलब normally minor अपने parents को या guardian को bind नहीं कर सकता क्या normally minor अपने parents को या guardians को bind नहीं कर सकता but अगर guardian या parents ने उसको अपने agent के तरह कोई authority दी है तब उस सिनेरियो में वो बाइंड कर सकता है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर एंड अडल्ट देखो बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर एंड अडल्ट अभी हमें पता है दिस गाय इज अ माइनर हिज फ्रेंड इज अ मेजर ये दोनों मिलके मेरे पास आए बोला सर 1 लाख रुपए का लोन चाहिए कितना लोन चाहिए 1 लाख रुपए का मेरे को लोन चाहिए हम दोनों साथ में मिलके कुछ काम करना चाहते हैं ठीक है तो मैंने 1 लाख रुपए का इनको लोन दे दिया आई हैव गिवन अ लोन टू देम 1 लाख रुपए का जॉइंटली अभी इन्होंने अपने बीच में जो भी किया 50-50 रखा के जैसे रखा इनका प्रॉब्लम ठीक है रिकवरी का जब टाइम आया तब दोनों गायब मिल ही नहीं रहे हैं कहीं पे फिर मुश्किल से मैंने खोजा अभी तो 1 लाख रुपए रिकवर करने हैं ना मैं किससे रिकवर कर सकता हूं मेजर माइनर माइनर मेजर बोथ व्हाट मेजर मतलब देख तेरे साथ मिलके पैसे इसने यूज किए
बट ये तो माइनर है, पूरा का पूरा 1 लाख रुपया तेरे को मेरे को देना पड़ेगा. सो वेन एवर माइनर एंड मेजर एक्ट टूगेदर, माइनर इज नॉट लायबल एंड मेजर इज होल्ली लायबल. ठीक है, इन सच अ केस अडल्ट विल बी लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर. राइट, इन सच अ केस अडल्ट विल बी लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर. क्लियर है? सो देखो एक केस लॉ था, इन केस ऑफ सेंदास वर्सेस रामचंद, देर वॉज अ ज्वाइंट परचेज बाई टू परचेजर, वन ऑफ देम वॉज अ माइनर. ठीक है, दो परचेजर थे, दोनों ने मिलके माल खरीदा था, एक माइनर था एक मेजर था. इट वॉज हेल्ड दैट द वेंडर कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर परचेजर एंड नॉट द माइनर. क्लियर है? क्या उन्होंने कंक्लूजन किया कि भाई जो वेंडर है वो मेजर से अपना क्लेम कर सकता है बट माइनर से नहीं, बिकॉज माइनर का जो पोर्शन है वो क्या माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो. क्लियर है? श्योरिटी फॉर अ माइनर. ठीक है, देखो श्योरिटी कब आता है ना, देयर इज अ ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं गारंटी का ट्रांजैक्शन. राइट, देयर इज अ ट्रांजैक्शन विच वी कॉल एज अ गारंटी. गारंटी मतलब क्या होता है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल सुनो, अभी माइनर मेजर भूल दो, पहले गारंटी क्या होता है वो समझते हैं, उसके बाद माइनर मेजर पे आएंगे. ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास लोन लेने आया, ही वॉन्ट्स अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज. ठीक है, तो इसने बोला सर मेरे को 1 लाख रुपए का लोन दीजिए. मैंने बोला ठीक है लोन तो दे दूंगा बट इसका क्या गारंटी है कि तू मेरे को पैसे लौटाएगा. राइट, इसकी क्या गारंटी है कि तू मेरे को पैसे लौटाएगा. तो इसने बोला देखिए ये मेरा फ्रेंड है, ये इंडिया का 3rd richest आदमी है, ये आपको गारंटी दे रहा है. राइट, ये आपको गारंटी दे रहा है कि अगर मैंने नहीं पे किया तो ये मेरे भी हाथ पे पे करेगा. तो गारंटी तो लिख के एग्जीक्यूट होगा. क्लियर है? सो व्हाट हैज हैपेंड, आई एम द लेंडर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम द लेंडर, ही इज द बोरोवर. मैंने इसको लोन दिया बट लोन दूंगा तो कुछ सिक्योरिटी तो मेरे को चाहिए ना. तो सिक्योरिटी देखो यूजली क्या होता है ना, दो तरह की सिक्योरिटीज होती है, एक टैंजिबल दूसरा इनटैंजिबल. टैंजिबल मतलब उसकी गाड़ी घर बंगला जो भी है इसने मेरे नाम मॉर्गेज कर दिया, एक तरह की वो सिक्योरिटी है. दूसरे जो इसके जैसे रेप्यूटेड आदमी होते हैं ना उनकी पर्सनल गारंटी होती है. राइट, बिकॉज ही इज द 3rd richest man. ये बोल दिया कि चलो अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो मैं पैसे दूंगा. सो ही इज वॉन्टिंग टू एक्ट एज अ गारंटर. क्या, ही इज वॉन्टिंग टू एक्ट एज अ गारंटर के भाई अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो मैं उसके पैसे चुका दूंगा. सो दिस इज अ सिचुएशन जहां पे देयर इज अ गारंटी विच हैज बीन क्रिएटेड. क्लियर है? अभी इसको पढ़ते हैं फिर एग्जांपल के साथ समझेंगे. इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन एन अडल्ट स्टैंड्स एज अ श्योरिटी, मतलब ये जो फ्रेंड है ना 3rd richest man इन इंडिया, ये कौन है, श्योरिटी. इसको क्या बोलेंगे, श्योरिटी, बिकॉज इसने मेरे को कंफर्म किया है कि अगर इसका फ्रेंड पे नहीं करेगा तो फ्रेंड के बिहाफ में वो मेरे को पेमेंट करेगा. एब्सोल्युटली क्लियर, इफ द फ्रेंड डज नॉट पे देन इज देन द 3rd richest man जो के मेरे बोरोवर का फ्रेंड है वो मेरे को रीपेमेंट करेगा. तो वो कौन है, श्योरिटी. हु इज ही, श्योरिटी. For a minor, then the surety, he adult लिखा है ना, इसको लिखो surety, is liable to the third party as there is a direct contract between the surety and the third party. Absolutely clear about this. So देखो क्या हुआ ना कि मैंने इसको लोन दिया. राइट, मैंने इसको लोन दिया. ध्यान दो, there are two contracts, one void another valid. क्या
I gave him a loan. Contract void ab initio. He is a minor. Friend is a major. I am also a major. इसने मेरे फेवर में गारंटी एग्जीक्यूट की फॉर अ लोन विच इज फ्रेंड एज टेकर. दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये रीपे नहीं करेगा तो इसके फ्रेंड को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है. श्योरिटी फॉर अ माइनर, मतलब श्योरिटी फॉर अ माइनर का मतलब क्या? समवन हु गिव्स ए guarantee on behalf of minor, right? Somebody who gives a guarantee on behalf of a minor. Absolutely clear. Who is a surety? A person. He should be an adult. Agar surety bhi minor hai, dhyan se suno, abhi aapko pooch raha hu. Agar surety bhi minor hai, मतलब जो गारंटी दे रहा है इसका फ्रेंड, ये भी माइनर है, क्या मैं एनफोर्स कर सकता हूं उसको? नहीं, बिकॉज तब दोनों कॉन्ट्रैक्ट, लेंडिंग बोरोइंग एंड गारंटी, बोथ आर वॉइड एब इनिशियो. एब्सोल्युटली क्लियर. सो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसके बीच में बना? मेरे और थर्ड रिचेस्ट मैन हु इज द फ्रेंड. व्हेन एन अडल्ट स्टैंड्स एज अ श्योरिटी ऑफ अ माइनर, देन द अडल्ट is liable to the third party as there is a direct contract between the surety and the third party. So, matlab dekho, dhyan se suno. Yahan pe A, B and C. B is a minor. A gives a loan to B. क्या? A gives a loan to B. इस contract को क्या बोलेंगे हम? Void ab initio. C gives a guarantee to A. C gives a guarantee to A. कौन guarantee दे रहा है? C. किसको दे रहा है? A को. Contract between A and C. किसके बीच में contract है ये? A and C. इसको क्या बोलेंगे? Valid. Absolutely clear. This is a valid contract. 100% clear है scenario. क्या हुआ? A ने B को loan दिया. B कौन है? Minor. Contract कैसा? Void ab initio. C ने एक guarantee दी A को. किसने? C ने एक guarantee दी. किसको? A को. A भी major, C भी major. Guarantee का contract किसके बीच में बना? A and C के बीच में. Contract is valid and enforceable. Clear है? Minor as a shareholder. अभी next scenario हम लोग देखेंगे कि क्या minor shareholder किसी company में minor shareholder बन सकता है कि नहीं. A minor being incompetent to contract cannot be a shareholder in a company. Minor, since he is incompetent to contract, he cannot become a shareholder in a company. If by mistake he becomes a member, member matlab kya? Shareholder. Right? Member matlab kya? Shareholder. Technically, member or shareholder mein na ek chhota sa difference hota hai. Wo aap intermediate level pe seekhoge. Theek hai? If by mistake he becomes a member, the company can resign the transaction and remove his name from the register. देखो, shareholder कौन होता है? छोटी सी बात बता दे रहा हूँ. Shareholder कौन होता है? जो shareholder करता है. Member कौन होता है? जो shareholders होते हैं ना,
उनके लिए कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है. उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिसका नाम लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? मेंबर. ठीक है. सो कैन देयर बी अ सिनेरियो कि एक शेयर होल्डर है बट मेंबर नहीं है? आज के दुनिया में बहुत रेयर पॉसिबिलिटी, बिकॉज अभी सब डीमैट फॉर्म में होता है. इफ यू नो समथिंग अबाउट शेयर्स, सब डीमैट फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट हाँ, अभी भी कुछ प्राइवेट कंपनीज के केस में हो सकते हैं. क्या समझो, आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ है, मैं अपने शेयर्स इसको बेच देता हूं. अभी शेयर सर्टिफिकेट है इसके पास फिजिकल फॉर्म में, इसको कंपनी को भेज के अपने नाम पे करवाने पड़ेंगे ये शेयर्स. ठीक है. तो अभी शेयर होल्डर कौन है? ये, बिकॉज मैंने अपने शेयर बेच दिए. बट कंपनी के बुक्स में मेंबर कौन है? मैं, बिकॉज मेरा नाम लिखा हुआ है. सो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, बट एक्चुअल में मेंबर और शेयर होल्डर सेम ही होगा. ठीक है. अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी. बाय इफ बाय मिस्टेक ही बिकम्स अ मेंबर, द कंपनी कैन रिसाइन द ट्रांजैक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर. बट अ माइनर मे एक्टिंग थ्रू अ लॉफुल गार्डियन बिकम अ शेयर होल्डर बाई ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स टू हिम. सी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये ट्रांजेक्शन. इफ यू वॉन्ट टू गो डीप इन टू दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड. सी, छोटे छोटे पॉइंट्स में बताता हूं. कंपनी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, बिकॉज मे बी सर्टन सब्जेक्ट्स यू वुड हैव रेड इट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक कंपनी शेयर्स इशू करती है. कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा जाता है? लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. ध्यान से सुनो, कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा जाता है? लिमिटेड अगर वो पब्लिक कंपनी है तो, प्राइवेट लिमिटेड अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो. सॉरी, ये वर्ड लिमिटेड का क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड लिमिटेड? दैट द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड. क्या? लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड. व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस लायबिलिटी? What is the limit of this liability? Accounts पे ध्यान दो. आप लोगों ने issue of shares किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि 10 रुपए का face value का share है जिसपे 8 रुपया call up हुआ है. क्या? 8 रुपया call up हुआ है. या एक 10 रुपए का share है जिसमें application 3 रुपया, allotment 3 रुपया, first call और final call. ध्यान से सुनो, एक कंपनी के केस में कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दैट लिमिट? अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स. मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है और 8 रुपया कॉल अप हुआ है तो 2 रुपए तक पे करने की लायबिलिटी है. अभी ध्यान से समझो, कंपनी ने एक पब्लिक इशू निकाला. दो एग्जाम्पल्स दूंगा. कंपनी ने एक पब्लिक इशू निकाला, एप्लीकेशन पे 3 और बैलेंस 7 रुपया अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल कॉल पे देना है. एक माइनर जैसे ही कंपनी का ये शेयर खरीदेगा, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस. क्लियर है? बिकॉज माइनर इज द शेयर होल्डर. अभी माइनर ने कितने पैसे दिए? 3 रुपए. कितने देने बाकी है? Can I say minor is liable to pay 7 more? अगर 3 इसने दिए हैं, 10 रुपया issue price है, is minor liable to pay 7 more? Yes, is liable to pay 7 more. But can minor actually be liable? No, because minor की तो liability होती ही नहीं है ना. इसलिए minor company का shareholder नहीं बन सकता है. Because
अगर शेयर्स पार्टली पेड है, ध्यान से सुनो, अगर शेयर्स पार्टली पेड है तो पार्ट पेमेंट की तो लायबिलिटी है. कैन यू कंपेल द माइनर टू पे? नो, देन ही कैनॉट बिकम अ शेयर होल्डर. सेकेंड सिनेरियो, ध्यान से सुनो, एक कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, 8 रुपए का पेमेंट उसके ऊपर हो गया है, कितना 8. अभी 2 रुपए फ्यूचर में पे करने हैं, अभी पे नहीं करने. मेरे पास वो शेयर है, ठीक है, मैंने इस माइनर को वो शेयर्स बेच दिए. किसको बेचे? माइनर को. तो अभी माइनर शेयर होल्डर बनेगा, माइनर मेंबर बनेगा. अब फ्यूचर में बैलेंस 2 रुपए पे करने की लायबिलिटी किसकी? माइनर की. बिकॉज अभी शेयर होल्डर कौन है? माइनर. जब फ्यूचर में कंपनी कॉल ड्यू करेगी तब ये 2 रुपए किससे मांगेगी? माइनर, बिकॉज ही इज द शेयर होल्डर. क्या कंपनी इस माइनर को कंपेल कर सकती है ये 2 रुपए देने के लिए? नहीं, बिकॉज माइनर इज नॉट लायबल. दैट इज वाई माइनर कैन नॉट बिकम अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी. बट क्या कोई भी सिनेरियो में नहीं बन सकता है? बट क्या कोई भी सिनेरियो में माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता है? माय आंसर इज बन सकता है. अ माइनर कैन बिकम अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी. कैसे? ध्यान से सुनो, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के फुल्ली पेड शेयर्स है. किसके? रिलायंस इंडस्ट्रीज के. कैसे शेयर्स है? फुल्ली पेड, पूरा फेस वैल्यू मैंने पे कर दिया है. अगर ये शेयर मैं माइनर को देता हूं, माइनर की क्या कोई फर्दर लायबिलिटी है? नहीं, बिकॉज ये फुल्ली पेड शेयर्स है. इन दैट सिनेरियो ही कैन बिकम अ शेयर होल्डर. क्यों? बिकॉज अ फुल्ली पेड शेयर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू हिम. एब्सोल्युटली क्लियर. सेकेंड, ट्रांसफर की बात की. किस चीज की बात की? ट्रांसफर. मैंने अपने शेयर माइनर को ट्रांसफर किए, वो शेयर होल्डर बन गया. कैसे बना? बिकॉज वो फुल्ली पेड शेयर्स थे. सेकेंड, लेट्स से देयर इज अ फादर हु इज होल्डिंग अ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. उस फादर का देयर इज अ माइनर चाइल्ड, ठीक है. लेट्स से फॉर सम रीजन फादर डाइड. अभी ये शेयर्स किसको मिलेंगे? सक्सेशन से उसके माइनर चाइल्ड को मिलेंगे. इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन. क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसमिशन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन. ट्रांसफर आप अपनी इच्छा से करते हो, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली बाय लॉ हो जाता है. तो इस सिनेरियो में भी अगर फुल्ली पेड शेयर्स है तो माइनर को शेयर होल्डर माना जाएगा, ठीक है. तो देखो, सिंपल अगर मैं 2 लाइन में इसको कंक्लूड करूं ना, पार्टली पेड शेयर्स के केस में माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता. फुल्ली पेड शेयर्स अगर माइनर को मिल रहे हैं तो क्योंकि उसकी कोई फर्दर लायबिलिटी नहीं है, वो शेयर होल्डर बन सकता है. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस, राइट? सो वील रीड दिस वंस अगेन. अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट cannot be a shareholder of a company. Clear है? If by mistake he becomes a member, मतलब minor ने share application के पैसे भर दिए, company ने देखे बिना उसको shares allot कर दिए, तो if by mistake he becomes a member, the company can resign. Resign का मतलब cancel. Resign का मतलब क्या होता है? Cancel. The company can resign और कैंसल द ट्रांजैक्शन, ठीक है, एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर, राइट? रजिस्टर से उसका नाम हटा देंगे. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अ माइनर में एक्टिंग थ्रू अ लॉफुल गार्डियन, राइट, माइनर में एक्टिंग थ्रू अ लॉफुल गार्डियन बिकम अ शेयर होल्डर By transfer or transmission. मतलब guardian बीच में होना चाहिए. With the help of a lawful guardian, he can become a shareholder. दो रूट के थ्रू. Transfer मतलब मैंने बेचा. Transmission मतलब automatically succession से मिला. किस चीज का?
fully paid shares. Right? Shares kaise hone chahiye? Fully paid share. In that scenario, he may become a shareholder of a company. Clear? Then, liability for torts. Torts matlab something which is wrong, something which is unlawful. Usko bolenge tort, right? Something which is unlawful, something which is wrong, something which is illegal. Us tarah ki cheezo ko hum log bolenge tort. Liability for tort. A tort is a civil wrong. A minor is liable in tort unless the tort in reality is a breach of contract. ठीक है, पहले read करते हैं फिर I'll explain. Tort मतलब क्या? Something which is wrong will be treated as tort. A tort is a civil wrong. A minor is liable. देखो, a minor is liable in tort. Minor is liable in tort unless the tort in reality is a breach of contract, right? Unless the tort is in reality a breach of contract. मतलब क्या बोला? कि minor tort के लिए liable है, but ये tort breach of contract के वजह से नहीं होना चाहिए, right? ये tort breach of contract के वजह से नहीं होना चाहिए, because माइनर क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब मैंने इसको बोला आई विल सेल माय कार टू यू फॉर 5 लाख रुपीस, फिर मैं इसको गाड़ी ना दू, उसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. या ये मेरे से फिर गाड़ी खरीदना नहीं चाहता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद, इसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अनलेस द टॉट इन रियालिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगर टॉर्ट ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वजह से हो रहा है तो माइनर लायबल नहीं. क्यों? बिकॉज माइनर का तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है ना, तो उसका ब्रीच तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसका ब्रीच करना पॉसिबल नहीं है. दस वेर अ माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर राइडिंग, ओनली ही वॉज हेल्ड लायबल when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. Right? मतलब यहाँ पे कोई contractual relationship नहीं है. मतलब एक minor ने किसी horse को लिया किसी से just to ride. और उस minor की क्या responsibility थी कि वो horse को लौटा दे after he is done with his riding. उस minor ने क्या किया? अपने एक friend को वो horse दे दिया कि भाई अभी तुम horse riding करो. और क्या हुआ कि भाई हॉर्स मर गया. क्लियर है? सिमिलरली अ माइनर वॉज हेल्ड लायबल फॉर हिज फेलियर टू रिटर्न सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स विच ही हैड हायर्ड एंड देन पास्ड ऑन टू अ फ्रेंड. मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के वजह से लॉस हो रहा है, ध्यान दो, कोई कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के वजह से अगर लॉस हो रहा है तो माइनर लायबल है ही नहीं, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड एब इनिशियो. बट कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के और किसी कारण माइनर कुछ ऐसा गलत करता है जिससे किसी और को लॉस हो रहा है, इन दैट केस, राइट, इन दैट केस द माइनर वुड बी लायबल. आर यू क्लियर अबाउट इट? इन दैट केस द माइनर वुड बी लायबल. मतलब सिंपल एग्जाम्पल है, if you sell goods to minor, ध्यान दो, if you sell goods to minor and if the minor does not pay, आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं. The contract is void ab initio. मतलब समझो मेरा काम है glasses बेचने का, ठीक है, क्या बेचता हूं मैं? glasses, कप glasses. तो और अच्छा example, मतलब mugs बेचते हैं, coffee mugs. आजकल आप लोग coffee mugs बहुत खरीदते हो ना, तो कॉफी मग्स बेचते हैं. तो ये माइनर है, नहीं ये माइनर है, समझो मेरे शॉप पे आया, बोला कि मेरे को 6 कॉफी मग्स आप दो, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा. मैंने इसको दे दिए. अभी कल जब वो आया तो बोला सर देखो मैं तो माइनर हूं, अभी पैसे भूल जाओ. कैन आई डू समथिंग?
No, the contract is void as initio. Minor मेरे store में आया, आके सारे cubs देख रहा था, right? देखे जा रहा है एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा देखे जा रहा है. अभी कोई आप स्टोर में गए हो जहां पे ग्लास आइटम्स पड़ी हुई रहती है, वो लोग एक नोटिस लगाते रखते हैं, क्या? गुड टू सी, नाइस टू होल्ड, इफ ब्रोकन वी कंसिडर इट टू बी सोल्ड. ठीक है, तो अभी क्या हुआ ना कि ये देख रहा था आराम से कप्स, एक कप इसके हाथ से गिर के टूट गया. क्या शॉपकीपर उससे पैसे रिकवर करेगा? ऑब्वियसली करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है, देखते देखते कुछ भी तोड़ दोगे तो ऐसे चलेगा नहीं. क्लियर है? सो लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, आंसर इज के ही इज लायबल फॉर टॉर्ट, बट ये टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वजह से नहीं होना चाहिए, राइट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वजह से नहीं होना चाहिए बिकॉज माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर ही नहीं सकता है, राइट? अ माइनर कैन नॉट डू अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता है बिकॉज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एट इनिशियो. ठीक है, तो चलो माइनर को तो हमने समझ लिया कि माइनर एक वीवीआईपी कैटेगरी ऑफ पर्सन इन द कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, एक बार फटाफट इसको रिवाइंड कर लेते हैं, उसके बाद और एक कैटेगरी के पास चलते हैं. ठीक है, सी व्हाट वी अंडरस्टूड दैट फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. कैपेसिटी मतलब क्या? कॉम्पिटेंस ऑफ अ पार्टी टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हु इज कॉम्पिटेंट? मेजर, साउंड माइंड, नॉट स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड. हु इज इनकॉम्पिटेंट? माइनर, अनसाउंड माइंड, स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड. ठीक है, मेजर कौन होता है? मेजर वो होता है जो 18 इयर्स या उससे ज्यादा की एज का होगा. ये कहां पे लिखा हुआ है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में लिखा हुआ है. ठीक है, फिर अभी माइनर की पोजीशन देखेंगे कि अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में एंटर करता है तो क्या होगा. बोला ऑल अग्रीमेंट्स विद माइनर्स आर वॉइड एट इनिशियो. माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एट इनिशियो. ठीक है, फिर क्या माइनर अपने कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड एब इनिशियो है उसको अप्रूव कर सकता है मेजर बनने के बाद? द आंसर इज नो, बिकॉज दे वर वॉइड एब इनिशियो. अगर उससे रिलेटेड कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहे तो क्या वो वैलिड होंगे? आंसर इज नो, बिकॉज वो तो कुछ ऑब्लिगेशन टेकअप करेगा एज अ मेजर, बट सामने वाली पार्टी का तो कंसिडरेशन डिस्चार्ज है, तो फॉर वॉन्ट ऑफ कंसिडरेशन इट विल नॉट रिजल्ट इन टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फिर हमने देखा माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगर एक मेजर माइनर को लोन देता है तो वो एनफोर्स नहीं कर सकेगा रिकवरी, बट अगर एक माइनर मेजर को लोन देता है तो माइनर एनफोर्स करके अपना पैसा वसूल कर सकता है. देन माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. बहुत खतरनाक सेक्शन, राइट? अगर माइनर अपनी झूठी एज बता के, फॉल्स एज बता के कोई लोन लेता है या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, बाद में वो जज साहब को बोल सकता है कि आई वॉज जोकिंग, मैंने फॉल्सली अपनी एज रिप्रेजेंट की, बट मैं छोटा सा बच्चा. क्लियर है? देन लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, माइनर इज लायबल, राइट? माइनर इज लायबल किस चीज के लिए? नेसेसरीज के लिए ही इज लायबल. इट विल रिजल्ट इन टू एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. बट माइनर इज लायबल ओनली फॉर नेसेसरीज. नेसेसरीज क्या है? थिंग्स विच आर असेंशियली रिक्वायर्ड एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. उससे ज्यादा या नेसेसरीज को छोड़ के अगर और कुछ सप्लाई हो रहा है तो उसके लिए वो लायबल नहीं है. माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है, माइनर का गार्डियन लायबल नहीं है. ठीक है, देन क्या माइनर के बिहाफ में गार्डियन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? आंसर इज यस, कुछ सर्कमस्टेंसेस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है. ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द गार्डियन, फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, विद द माइनर कैन एनफोर्स. क्लियर है? फिर दो सिचुएशन देखी, गार्डियन कैन नॉट एनफोर्स और बाइंड अ माइनर टू बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट अ सर्टिफाइड गार्डियन मतलब अ गार्डियन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट कैन sell immovable property belonging to a minor. फिर
specific performance minor से demand नहीं किया जा सकता है, because minor के साथ जो contract बनेगा वो क्या होगा, void ab initio. Minor cannot be insolvent because he cannot contract debts. That is why he cannot be insolvent, right? But अगर necessaries उसको supply की गई है तो उसके property में से उसको pay करना पड़ेगा. Partnership, minor cannot become a partner because partnership is a contract between the partners and minor is incompetent to contract. But section 30 partnership act का बोलता है कि minor को benefit of partnership में आप admit कर सकते हो. Minor can be an agent but he is not liable to the principal. ठीक है? Minor cannot bind the guardian or parent unless he acts right within the authority given to him by his parent or guardian. Joint contract by minor and adult, minor is not liable, major is, or the adult is liable. Surety for a minor, अगर कोई minor के behalf में guarantee देता है, मतलब minor का surety बनता है, तब surety के against contract enforce किया जा सकता है. Minor as a shareholder, minor cannot become a shareholder when the shares are partly paid. But अगर fully paid shares minor को transfer या transmit हो रहे हैं, तब वो shareholder बन सकता है, right? Through his lawful guardian. अगर गलती से कोई कंपनी माइनर को शेयर अलॉट कर देती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है. दे कैन रिवोक एंड कैंसिल दोज शेयर्स. लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, द माइनर इज लायबल, बट अगर टॉर्ट इज एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ही इज नॉट लायबल बिकॉज उसके साथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड एब इनिशियो. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट, जहां पे हम लोगों ने माइनर को तो डील कर लिया. Now we'll deal with person of unsound mind, right? Now we'll deal with person of unsound mind. So, देखो, according to section 12 of the Indian Contract Act, right? हम एक आदमी को unsound mind का कब बोलेंगे, right? जब उसमें capacity नहीं है कि वो समझ सके कि contract का उसके खुद के interest के ऊपर क्या implication या effect होगा. राइट, दैट इज वाई बोला कि भाई अनसाउंड माइंड के आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है. तो अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन ही इज मेकिंग इट, इज केपेबल टू अंडरस्टैंड इट. मतलब साउंड माइंड का आदमी समझ सकेगा, अनसाउंड माइंड का आदमी नहीं समझ सकेगा. तो एक आदमी को साउंड माइंड का हम कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब वो केपेबल है कि भाई वो समझ सक रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या अग्री हो रहा है, एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट. मतलब कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद उसके खुद पे या खुद के इंटरेस्ट पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा, तब उस तरह के आदमी को हम बोलेंगे दैट दैट पर्सन इज ऑफ अ साउंड माइंड. राइट, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम, कब, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है तब, व्हेन ही इज मेकिंग इट, इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट उस अग्रीमेंट को समझने की कैपेसिटी रख रहा है, and of forming, right, and he is also capable of forming a rational judgment as to its effect on his own interest, tab bolenge that he is a person of a sound mind. Aur agar koi unsound mind ka aadmi, matlab wo contract ko samajh mein nahi pa raha hai aur wo ye evaluate nahi kar sak raha hai ke bhai उस कॉन्ट्रैक्ट बनाने से उसके खुद के इंटरेस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, तो उस तरह के आदमी को हम बोलेंगे पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड. एक्ट बोलता है कि भाई अनसाउंड माइंड के आदमी दो तरह के होते हैं. क्या? एक जो ज्यादातर अनसाउंड माइंड के रहते हैं, कुछ जो ओकेजनली अनसाउंड माइंड के होते हैं. तो बोला कि भाई एक्ट बोलता है अगर कोई आदमी है जो ज्यादातर अनसाउंड माइंड का रहता है, तो जब वो अनसाउंड माइंड का है तब कॉन्ट्रैक्ट ना बनाए, जब उसका माइंड साउंड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए.
और कोई आदमी ऐसा है जो ज्यादातर तो साउंड माइंड का है बट कुछ समय के लिए अनसाउंड माइंड का भी हो जाता है, राइट? तो जब वो अनसाउंड माइंड का हो रहा है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करे. सिंपल. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब ज्यादातर पागल ही रहता है, बट ओकेजनली ऑफ अ साउंड माइंड, मतलब कभी कभी उसका दिमाग ठीक हो जाता है, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अ साउंड माइंड. मतलब लार्जली समबडी इज ड्रंक, तो ड्रंक तो देन ही इज इन अनदर वर्ल्ड, तब उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है, अच्छा बुरा कोई पता नहीं. बट दो तीन घंटे दिन में ऐसे होते हैं जब ही इज नॉट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ लिकर, तो बोला उस समय तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो. हाँ, वो वैलिड है. हाँ, वो तो बाइंडिंग हो गई ना, बिकॉज ही मेड इट व्हेन ही वाज ऑफ अ साउंड. A person who is usually of a sound mind. Usually of a sound mind मतलब दिन भर होश में रहता है, काम करता है, रात को पार्टी करने चला जाता है, ठीक है. But occasionally of an unsound mind, ठीक है, may not make a contract when he is of an unsound mind. मतलब देखो सिंपल बताओ ना, तो कॉन्ट्रैक्ट एक बोलता है बॉस तुम्हारा दिमाग जब ठीक हो तब कॉन्ट्रैक्ट करना, जब दिमाग ठीक ना हो तब कॉन्ट्रैक्ट मत करना. क्लियर है? फिर देखो, अगर कोई अनसाउंड माइंड के आदमी के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है, मतलब भाई ये दोनों अभी इन दोनों को मेजर ही मानेंगे, ये दोनों रात को पार्टी मनाने गए, ठीक है, कहाँ पे जाते हो तुम लोग पार्टी मनाने? अब तक गए नहीं है यार, बहुत भूले भाले होते हैं, ठीक है. चलो ये लोग कोई भी क्लब में कोई भी पब में पार्टी मनाने गए, ठीक है, तो अभी नए नए गए ना, अभी तक गए नहीं है बोला, तो अभी टुमारो सैटरडे नाइट, तो दे वेंट फॉर अ पार्टी, सो ही गॉट ड्रंक. देखा कि ये तो अभी मौका अच्छा है, इसकी फरारी इसने साइन करा ली कि भाई तू मेरे को दे दे, मैं तेरे को 5 रुपए दे दूंगा, बिकॉज एडिक्वेट तो कंसिडरेशन होना नहीं चाहिए ना, कंसिडरेशन मस्ट बी प्रेजेंट. तो इसने तो गले लगाया, भाई तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरा भाई है, तू मेरे को यहाँ लेकर आया, सब जायदाद तेरे नाम पे लिख देता हूँ, 5 रुपया दे दे. Will it result into a valid contract? No, because he's not able to understand. अभी तो भाई लग रहा है, कल सुबह पता चलेगा भाई धागे क्या था, ठीक है. So anybody who enters into a contract when he's of an unsound mind, the contract will be void ab initio. A contract by a person who is not of a sound mind is void because he does not have capacity to contract. तो देखो दो scenario cover कर लिए, एक तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बट माइनर डेंजरस है, उससे दूर रहना. सेकंड, अनसाउंड माइंड का आदमी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड माना जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन. देखो तीन सिनेरियोज हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किए थे ना, एक तो माइनर नहीं होना चाहिए, दूसरा अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, तीसरा जिस आदमी के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो आदमी स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. ये डिस्क्वालिफिकेशन कैसे अराइज होगा, ध्यान से सुनो, हम उस आदमी की बात नहीं कर रहे, हम सर्कमस्टेंस की बात कर रहे हैं, जिन सर्कमस्टेंस में somebody might be considered as disqualified from contracting. You may be disqualified or incompetent from contracting because of your political status. Aapka political status ke wajah se maybe you cannot enter into a particular contract. Your corporate status, because of your corporate status you cannot enter into a contract. Or maybe because of your legal status. तो तीन status की बात हो रही है, कौन सी? Political, corporate, legal. इन तीन status के वजह से maybe you are disqualified from contracting. Person falling into this category मतलब ये status के कौन आदमी है, ये status political status का कौन है ऐसा आदमी जो कि disqualified हो सकता है, कॉर्पोरेट स्टेटस के वजह से कौन ऐसा आदमी है जो डिस्क्वालिफाइड हो सकता है,
या लीगल स्टेटस के वजह से कौन ऐसा आदमी है जो डिस्क्वालिफाइड हो सकता है, ये लिस्ट मेरे को याद रखनी है. ऑल्दो दिस इज एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट, इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बट वी नीड टू रिमेम्बर दीज एग्जाम्पल्स. राइट, यू मे बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बिकॉज यू आर अ फॉरेन सॉवरेन और यू आर एन एम्बेसडर ऑफ सम अदर कंट्री. मतलब कि भाई पाकिस्तान का एम्बेसडर कैलकटा में, कैलकटा सॉरी इंडिया में, लेट्स से देयर इज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान विच इज देयर विल बी अ पाकिस्तान एम्बेसी हियर. दीज पीपल आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स. एलियन एनिमी, एलियन एनिमी मतलब समझो कि इंडिया का किसी कंट्री के साथ वॉर है, दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर. तो वॉर किसके साथ करते हो? एनिमी. अभी एनिमी के घर से टीवी इंपोर्ट करोगे क्या? नहीं करोगे ना. तो अगर किसी एलियन एनिमी के कंट्री के लोग के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो, राइट, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो बिकॉज दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. कॉर्पोरेशंस बहुत समय में या बहुत सिचुएशंस में, कोई बाहर की कंपनीज, क्या वो वैसा होगा जहां पे देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, तो आप उस सिनेरियो में यू आर नॉट एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्विक्स, कॉन्विक्स मतलब कौन? मुजरिम, दोज हु हैव बीन कॉन्विक्टेड, मतलब जिसके अगेंस्ट कोई रूलिंग, कोई सजा दी गई है उनको. इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट मतलब bankrupt, यार ऐसे ही bankrupt हो गया और contract करके तुम उसके साथ क्या करोगे, right? So anybody who is an insolvent is disqualified from contracting. तो देखो ये disqualification किस वजह से create होता है? Disqualification तीन वजह से create होता है. कौन कौन सा? Political status, corporate status, legal status, right? Disqualification कितने वजह से आएगा? तीन वजह से. Political status, corporate status and legal status. Who would be the person who would be involved in this? Somebody who is a foreign sovereign or an ambassador, an alien enemy, corporation, convicts, insolvent, etc. Clear? See, now we'll come to the next section. ठीक है, कुछ थोड़ा portion इसका आज cover करेंगे. First हम लोगों ने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट देख लिया. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कितने वजह से आता है? तीन वजह से, राइट. माइनर है तो कैपेबल नहीं है, अनसाउंड माइंड है तो कैपेबल नहीं है, स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड है तो कैपेबल नहीं है. सेकंड एलिमेंट और सेकंड असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री कंसेंट. देखो एक साथ लिखा हुआ है बट दो वर्ड्स है ये, राइट. एक साथ लिखा हुआ है बट ये दो वर्ड्स है. कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम sense, right? Agreeing upon the same thing in the same sense, right? तो सुनो यार, तू मेरी होंडा खरीदेगा क्या 5 लाख रुपए में? देखो खुश हो गया, इसने बोल दिया हाँ मैं खरीदूंगा. इसने मेरे को 5 लाख रुपए का चेक दिया, मैंने इसको होंडा एक्टिवा की चाबी दे दी. ठीक है, खुश है भाई तू? अभी ना बोल रहा है कि मैं खुश नहीं हूं. क्यों? सी, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ध्यान दो इस ट्रांजैक्शन को. हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने बोला विल यू बाय माय होंडा फॉर 5 लाख, इसने बोला यस सर आई विल बाय योर होंडा फॉर 5 लाख. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इज देयर अ कंसेंट प्रेजेंट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट? हाँ. इसने बोला यस सर आई विल बाय, तो हाँ बोला ना. कंसेंट मतलब व्हेन यू आर अप्रूविंग समथिंग, व्हेन यू आर गिविंग अ कंसेंट टू समथिंग. बट लीगल सेंस में भले इसने हाँ बोला बट कंसेंट प्रेजेंट नहीं है. बिकॉज कंसेंट का मतलब हाँ बोलना नहीं है. हाँ बोलना व्हेन यू अग्री यू विल से यस, बट कंसेंट का मीनिंग है यस बोलना जब दोनों के माइंड मैच हो रहे हैं. क्या? दोनों के माइंड मैच हो रहे हैं. इसको बोलते हैं कॉन्सेशियस एड इडम.
What do we call it? Consensus ad idem. Matlab, agreeing upon the same thing in the same sense. Matlab, I was thinking about selling my Honda Activa for 5 lakh rupees. He was thinking of buying my Honda City for 5 lakh rupees. Though he said yes, but there was no consent because we both were on a different plateau, right? I was thinking about something else. He was thinking about something else. Clear? Eh? So agreeing upon the same thing in the same sense is known as consent. Matlab, there should be matching of mind. Kya hona chahiye? Matching of mind. दोनों लोग जो सोच रहे हैं या जो समझ रहे हैं वो सेम होना चाहिए. फ्री मतलब व्हेन यू आर नॉट फ्री, व्हेन यू आर अंडर समबडीज इन्फ्लुएंस. कोई आपके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं तब आप फ्री नहीं हो. फ्री मतलब क्या? विदाउट प्रेशर, राइट? विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, उसको बोलेंगे फ्री. तो दो चीज होना चाहिए, फ्री भी होना चाहिए, कंसेंट भी होना चाहिए. दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. अभी एग्जांपल समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम सेइंग दैट दीज आर टू वर्ड्स. फ्री मींस विदाउट प्रेशर, कंसेंट मींस अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. दो एग्जांपल दे रहा हूं. आप लोगों को मेरे को बताना है कि उस सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन रहा है. फ्री के वजह से नहीं बन रहा है कि कंसेंट के वजह से नहीं बन रहा है? ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है वो तो छोड़ दो. क्या एब्सेंट है? कंसेंट एब्सेंट है कि फ्री एब्सेंट है? ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, आई टोल्ड हिम विल यू बाय माय होंडा फॉर 5 लाख रुपीज. ही सेड यस. ही गेव मी 5 लाख रुपीज. आई गेव हिम होंडा एक्टिवा. ही वॉज एक्सपेक्टिंग होंडा सिटी. क्या प्रेजेंट नहीं है? फ्री प्रेजेंट नहीं है कि कंसेंट प्रेजेंट नहीं है? कंसेंट. फ्री प्रेजेंट है, यस, बिकॉज मैंने थोड़ी ना इसको जोर जबरदस्ती बोला खरीदना ही पड़ेगा. अपने खुशी से उसने बोला कि यस आई एम रेडी टू बाय. तो क्या प्रेजेंट नहीं है? कंसेंट प्रेजेंट नहीं. वी डिड नॉट अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान से सुनो. मैं गया इसके पास, ठीक है, मैंने इसको बोला भाई तू मेरी होंडा एक्टिवा 5 लाख रुपए में खरीदेगा ना, और मैंने पॉकेट से गन निकाली. हाँ बोलेगा ना भाई तू? इसने हाँ बोला. हाँ सर, 5 लाख रुपए में आपकी एक्टिवा खरीद लूंगा. क्या यहाँ यहाँ पे कंसेंट प्रेजेंट है? ही नोज दैट ही इज बाइंग होंडा एक्टिवा फॉर 5 लाख. फ्री प्रेजेंट है? फ्री प्रेजेंट नहीं. आर यू क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड कंसेंट? फ्री मतलब व्हेन इट इज विदाउट प्रेशर, कंसेंट मींस यू आर अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. अभी कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा वो सोचेंगे या देखेंगे बाद में, ठीक है. कंसेंट इज नॉट फ्री. कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉस्ट बाय, राइट? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? हाँ, हो सकता है दोनों भी ना हो, ठीक है. कंसेंट इज नॉट फ्री मतलब किन सिनेरियो में हम बोलेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है? कंसेंट है बट फ्री नहीं है. अभी इंग्लिश ठीक से पढ़ेंगे. कंसेंट इज नॉट फ्री. कंसेंट है बट फ्री नहीं. किन सिनेरियो में? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरेप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. मिस्टेक थोड़ा अलग कैटेगरी है, बाद में बात करेंगे. अगर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरेप्रेजेंटेशन को यूज करके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है तो वो कैसा बनेगा? वॉइडेबल. मतलब वॉइडेबल का मतलब क्या? Valid but can be avoided. ठीक है, valid but can be avoided by the aggrieved party. मतलब जब तक avoid नहीं किया तब तक valid है. जैसे ही avoid कर दोगे क्या बन जाएगा? Void.
सो कोर्शन अंड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड और मिस्टेक द्वारा अगर कोई भी सॉरी मिसरिप्रेजेंटेशन तक अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है क्या है वॉइडेबल. बट अगर मिस्टेक से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है क्या मिस्टेक से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसको क्या मानेंगे वॉइड. देन इट विल बी वॉइड. एब्सोल्युटली क्लियर. अभी इतने भारी भारी वर्ड है कोर्शन अंड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड तो देखते हैं ये क्या होता है. ठीक है तो देखो सबसे पहले कंसेंट का डेफिनेशन देखते हैं. कंसेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरी सिंपल. क्या टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. क्लियर है कंसेंट मतलब अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. उस सिनेरियो में हम क्या बोलेंगे दैट देयर इज कंसेंट. There would be absence of consent when मतलब किन सिनेरियो में कंसेंट प्रेजेंट नहीं है. मतलब what are the circumstances when you are not agreeing upon the same thing in the same sense. Parties to a contract make some fundamental error as to the nature of the transaction. मतलब दोनों के बीच में कोई confusion था. There was a fundamental error as relating to the nature of the transaction. Means कि जो transaction बन रहा है उसके structure में कोई problem था. मैंने बोला X, उसने समझा Y and it did not happen the way it was supposed to happen. As to the person dealt with, right? As to the person dealt with. मतलब कि भाई मेरे को A के साथ काम करना था, but मैं B को A समझ रहा था. Maybe something like that. As to the subject matter of the agreement, मतलब मेरे को Honda Activa बेचना था, ये Honda City समझ रहा था. As to the subject matter of the transaction, ठीक है? So there could be a problem. मैंने इसको बोला यार तू मेरी Honda City लेगा क्या? ये समझ रहा है कि मैं बेचना चाहता हूँ, but मैं इसको भाड़े में देना चाह रहा था. Fundamental error in the nature of the transaction. Person dealt with. पर्सन डेल्ट विद मतलब मैंने इसको बोला यार तेरा जो फ्रेंड है ना बेस्ट फ्रेंड वो बहुत बदमाश है. अभी मैं समझ रहा था ये है इसका बेस्ट फ्रेंड बट एक्चुअल में दूसरा कोई था उसका बेस्ट फ्रेंड. सो देयर इज अ कंफ्यूजन इन रिलेशन टू द पर्सन डेल्ट विद एंड इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो देखो कंसेंट का मतलब कि जब दो आदमी अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस वील से देयर इज अ कंसेंट. कंसेंट कब नहीं है माना जाएगा फंडामेंटल एरर एज टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एज टू द पर्सन डेल्ट विद एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट. इन तीन में से कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो हम बोलेंगे दैट देयर इज एन एब्सेंट ऑफ कंसेंट. फ्री कंसेंट देखो कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉस्ट बाय ये हम लोग पढ़ चुके हैं. When it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or coercion. अगर इन चारों को यूज करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है तो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइडेबल. किस तरह का बनेगा वॉइडेबल. अगर मिस्टेक द्वारा बनाया गया है तो कैसा बनेगा void. Right? So consent कब present नहीं है free consent कब present नहीं है. देखो दो चीज है consent मतलब agreeing upon the same thing in the same sense. Free consent मतलब without pressure. So when will you say that your consent is not free? When it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. उन scenario में बोलेंगे कि consent not free है. फर्स्ट फोर केसेस में वॉइडेबल मिस्टेक के केस में वॉइड. क्लियर है. कोर्शन की अगर बात करें व्हाट डू यू मीन बाय कोर्शन. कोर्शन मतलब जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो किसी के ऊपर राइट. व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स ऑन समबडी दैट विल बी ट्रीटेड एज कोर्शन. सो देखो द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट. कमिटिंग मतलब आप ऑलरेडी कमिट कर रहे हो राइट. कमिटिंग मतलब आप ऑलरेडी कमिट कर रहे हो.
मतलब इसको किडनैप करके खूब मार रहे हैं, चल अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने तो और मारेंगे तो, दैट इज कमिटिंग। थ्रेटनिंग टू कमिट मतलब देख अगर तू नहीं करेगा ना तो खूब तेरे पिटाई करेंगे, राइट। सो दैट इज थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब कर रहे हो या करने की धमकी दे रहे हो, दोनों प्रेजेंट है। क्या कर रहे हो या क्या करने की धमकी दे रहे हो, एनी एक्ट forbidden by the Indian Penal Code, right? Any act which is forbidden by the Indian Penal Code, मतलब Indian Penal Code के अंदर कोई भी ऐसा act लिखा हुआ है कि ये आपको नहीं करना चाहिए और वो आप कर रहे हो, क्या माना जाएगा? Coercion, unlawfully detaining, मतलब इसकी फरारी में जबरदस्ती उठा के लेकर आया, भाई तुम्हारी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे को दो दो करोड़ रुपए में, नहीं तो तुम्हारी फरारी तोड़ दूंगा, राइट। अनलॉफुली डिटेनिंग मतलब आप किसी और की चीज को अपने कब्जे में रख के डिटेन कर रहे हो। थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी मतलब ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूंगा, ठीक है। टू द प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन, प्रिजुडिस मतलब नुकसान, राइट, टू द डेट्रीमेंट ऑफ समबडी, राइट, टू द प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर with an intention of causing any person to enter into an agreement, मतलब ये जो धमकी तुम दे रहे हो या किसी को मारपीट कर रहे हो उसको करने के पीछे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो आदमी तुम्हारे साथ एक अग्रीमेंट में एंटर करे, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। एब्सोल्यूटली क्लियर। सो वॉट इज कोर्शन, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, वॉट इज कोर्शन, कमिटिंग or threatening to commit what, any act forbidden by the Indian Penal Code, the unlawful detaining or threatening to detain property, right, to the prejudice of another person with an intention of causing that person to enter into a contract with you, मतलब आप portion क्यों apply कर रहे हो, so that दूसरा आदमी आपके साथ contract में enter करे, उस वजह से आप पोर्शन अप्लाई कर रहे हो। मतलब अभी मैं हमने एक एग्जांपल किया था ना कि इसके पास एक रायचक में 10 करोड़ रुपए का बंगलो है, राइट। सो मिस्टर डी को पता चला है इसके बारे में, मिस्टर डी इसके ऑफिस में गए, बैठने से पहले गन निकाली, टेबल पे रखी, बोला भाई कैसे हो, ठीक ठाक है ना सब कुछ, तुम्हारी प्रॉपर्टी हमें पसंद है, ये लो 1 करोड़ का चेक, प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम पे कर दो। क्या करेगा भाई, तो दे देगा, क्या है उसमें, जान रहेगी तो और प्रॉपर्टीज बनेगी, नहीं तो प्रॉपर्टीज ही नहीं बनेगी, दे दिया ना इस टाइम। हाउ डिड दिस ट्रांजैक्शन हैपन, थ्रू कोर्शन, बिकॉज उसने फोर्स अप्लाई किया, राइट। सो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट क्या, एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी property to the prejudice of any person, क्यों, with an intention to induce that person to enter into a contract with you. अभी देखो ये एक important चीज है समझने की कोशिश करना, it is to be noted that it is immaterial whether Indian Penal Code is or is not in force at the place where the coercion is employed. ध्यान से बात सुनो, लेट्स से गोवा में इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल नहीं है, मतलब हर एक एक्ट का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है ना, फिक्टिशियस एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब ऐसे मत बोलना कि सर सच में गोवा में एप्लीकेबल नहीं है, क्या होगा एप्लीकेबल वहां पे, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन इल्यूजनरी सिचुएशन कि गोवा में इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल नहीं है, वहां का कोई अलग क्रिमिनल लॉ है, बट गोवा में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एप्लीकेबल है। इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है कि किसी को गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओगे तो वो गलत है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लिखेगा, किसी को गन पॉइंट पे दिखाना या किसी को गन दिखा के डराना इलीगल है। तो गोवा में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जहां पे गन दिखा के कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया, विल दैट कॉन्ट्रैक्ट बी ट्रीटेड अंडर कोर्शन और नॉट, एनालिसिस समझो, क्या इंडियन पीनल कोड गोवा में एप्लीकेबल है, नहीं है, ठीक है, इंडियन पीनल कोड गोवा में एप्लीकेबल नहीं है,
तो कॉन्ट्रैक्ट जो गन दिखा के बनाया गया, इट इज एन एक्ट विच इज बीन फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड. क्या गोवा में इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्शन द्वारा बनाया गया माना जाएगा? आंसर इज यस. बोला कि भाई इंडियन पीनल कोड के अंदर वो एक्ट फॉरबिडेंट होना चाहिए. इंडियन पीनल कोड जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बना है वहां पे एप्लीकेबल है कि नहीं है, उससे मतलब नहीं है. मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या किया ना, इंडियन पीनल कोड के सारे लिस्ट को कॉपी पेस्ट नहीं किया. बोला लिस्ट देखो इंडियन पीनल कोड की, बट एप्लीकेबिलिटी कहां पे देखोगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. मतलब जहां पे ये एक्ट हो रही है वहां पे अगर इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल नहीं भी है फिर भी इसको पोर्शन के अंदर माना जाएगा. एब्सोल्युटली क्लियर. मतलब जहां पे गन दिखाई गई, इट इज एन एक्टिविटी विच इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पीनल कोड, बट उस जगह में इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट अराइव थ्रू कोर्शन. राइट, तो कोर्शन को समअप करेंगे. इफेक्ट ऑफ कोर्शन, अ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोर्शन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड. मतलब कोर्शन के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो कैसा बनेगा? वॉइडेबल. अवॉइड किया जा सकता है, बट इसको कौन अवॉइड कर सकता है? कैन बोथ द पार्टीज अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट? नो, ओनली द अग्रीव्ड पार्टी. अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिस पार्टी के ऊपर कोर्शन अप्लाई किया गया है वही उसको अवॉइड कर सकता है. एज टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी रिसाइडिंग द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शुड, इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर फ्रॉम द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, रिस्टोर सच बेनिफिट. मतलब ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल याद है ना, इसके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है रायचक में. राइट, मिस्टर डी इसके ऑफिस में गए, गन दिखा के प्रॉपर्टी साइन करा ली, इसको 1 करोड़ रुपए दिए और प्रॉपर्टी के पेपर लेके चल बने. अभी अचानक इसमें बहुत शक्ति आ गई, शक्तिमान बन गया, इसने मिस्टर डी के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया कि मेरे पे कोर्शन अप्लाई किया गया था, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता हूं. तो कोर्ट क्या बोलेगा? मिस्टर डी को बोलेगा प्रॉपर्टी के कागज आप उसको वापस दे दो. तो मिस्टर डी ने तो प्रॉपर्टी के कागज वापस दे दिए, इसको कुछ मिला है क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? इसको कुछ मिला है क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? द आंसर इज यस. क्या मिला है उसको? 1 करोड़ रुपया. तो क्या प्रॉपर्टी भी रख लेगा और 1 करोड़ रुपया भी रख लेगा क्या? नहीं. इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड बाई हिम, he will get his property back, but he has to refund anything which he has got under the contract. Are you clear about it? इसको भी 1 करोड़ रुपया Mr. D को refund करना पड़ेगा. ध्यान से सुनो, as a consequence of rescission of a voidable contract, the party residing the voidable contract, he is the party residing the voidable contract, if he receives any benefit there under फ्रॉम दी अदर पार्टी. मतलब मिस्टर डी से इसको 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिला. राइट, रिस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी एप्लीकेबल टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट हैज बीन रिसीव. मतलब 1 करोड़ रुपया उसको रिफंड करना पड़ेगा. ही कैन नॉट हैव बोथ, के प्रॉपर्टी भी वापस मिल गई और 1 करोड़ रुपया भी रख लिया. अगर आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर अग्रीव्ड पार्टी को कुछ एडवांटेज मिला है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो एडवांटेज को भी रिफंड करना पड़ेगा. अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोर्शन मस्ट रीपे और रिटर्न इट. एब्सोल्युटली क्लियर. अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोर्शन मस्ट रीपे और रिटर्न इट. मतलब कि भाई मिस्टर डी को तो प्रॉपर्टी मिली ना कोर्शन के अंदर, जैसे ही अग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करेगी, राइट, जैसे ही अग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करेगी, व्हाट विल हैपन? इट नीड्स टू बी रिटर्न्ड टू द ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी.
तो मतलब देखो दोनों तरह से रिफंड होगा, मिस्टर डी को प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी और जो अग्रिम पार्टी है उसको जो पैसा मिला है वो उसको रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन मतलब क्या, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट व्हाट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट पर्सन टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? अवॉइडेबल। अगर अग्रीव पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करती है तो उसके अंदर उसको जो बेनिफिट मिला है वो भी उसको रिफंड करना पड़ेगा। अभी देखो अनादर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये एज अ केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कोर्शन। मतलब आप किसी को बोलते हो देखो मेरे लिए तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज अंडर अ प्रेशर कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो तुम सुसाइड कर लोगे, उस लिए उस समय वो तुम्हारी बात से अग्री कर लेगा और तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेगा, बट आफ्टर दैट द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड। एब्सोल्युटली क्लियर? तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन, इज अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड कम अंडर कोर्शन? द आंसर इज यस। अगर आपने सुसाइड करने का धमकी देकर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। राइट, किस तरह का बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो देखो, वेयर हस्बैंड ऑब्टेन्स अ रिलीज डीड फ्रॉम हिज वाइफ एंड सन, मतलब नाउ दे वॉन्ट टू गेट सेपरेटेड, राइट, सो द हस्बैंड इज ऑब्टेनिंग अ रिलीज डीड फ्रॉम वाइफ एंड सन अंडर थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। मतलब हस्बैंड बोलता है कि अगर तुम रिलीज डीड पे साइन नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। क्लियर है? द ट्रांजेक्शन वॉज सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ पोर्शन, राइट, द ट्रांजेक्शन वॉज सेट असाइड, मतलब कि वो रिलीज को कोई भी लीगल स्टेटस नहीं मिला, राइट, सुसाइड बीइंग फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, द थ्रेट टू सुसाइड अमाउंटेड टू कोर्शन विद इन सेक्शन 50। एब्सोल्यूटली क्लियर? सो देखो हमने क्या बोला कि भाई दो वर्ड है, फ्री और कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या? अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। फ्री मतलब यू हैव टू अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस विदाउट एनी प्रेशर। व्हेन विल बी सेड दैट देयर इज नो फ्री कंसेंट? इफ द कंसेंट हैज बीन कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस्टेक के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वॉइडेबल, मिस्टेक्स के द्वारा जो बनेंगे दैट विल बी वॉइड। मतलब फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो बनेंगे क्या होगा? वॉइडेबल। मिस्टेक के द्वारा जो बनेगा दैट विल बी वॉइड। ठीक है, फिर हम लोगों ने समझा कि भाई कोर्शन क्या होता है। कोर्शन मीन्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट व्हाट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, राइट, any property to the prejudice of any other person, right, or any person with an intention of causing that person to enter into a contract. Clear hai? Aur coercion se jo contract banega kaisa hoga? Voidable. Agar wo contract avoid kiya jayega, kaun avoid kar sakta hai? Aggrieved party. Agar aggrieved party usko avoid karegi, तो अग्रिव पार्टी को अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ बेनिफिट मिला है तो उसको वो बेनिफिट वापस देना पड़ेगा। थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कोर्शन। उसके द्वारा भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्युटली क्लियर? सो वील कीप इट टिल योर नेक्स्ट क्लास में वील टेक इट फॉरवर्ड।